चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे सीए फाइनल एडवांस्ड ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स कोड ऑफ एथिक्स के रिवीजन पार्ट टू का। मैं सीए सार्थक जैन पार्ट वन ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं और आज हम लोग डिस्कशन करेंगे पार्ट टू में शेड्यूल टू टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 विच टॉक्स अबाउट सीरियस मिसकंडक्ट्स, जिसके अंतर्गत ना सिर्फ आपके ऊपर किसी प्रकार का फाइन इम्पोज पेनल्टी इम्पोज की जा सकती है, लेकिन साथ ही साथ में आपके ऊपर कंपल परमानेंटली आपकी डिग्री भी आपसे छीनी जा सकती है। सुपर क्विक रिवीजन, वी विल बी रनिंग थ्रू द होल रिवीजन लेक्चर। दैट मीन्स वी विल बी रनिंग थ्रू ऑल द क्लॉजेस कवरिंग ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट एंड द नाइसिटीज ऑफ दोस कॉन्सेप्ट। I may not be repeating things too much usually what I do in the class because the objective is to do it very very quickly. Obviously आप लोगों के पास YouTube के माध्यम से आप जब चाहें जितने चाहें जितने भी revisions को जितनी बार rewind forward करके देखना चाहें देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं Schedule 2 Part 1 CN Practice Professional Misconduct। ये सारे मिसकंडक्ट सिर्फ सीएन प्रैक्टिस के ऊपर लगेंगे और वो भी ये सारे के सारे मिसकंडक्ट प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। पर्सनल कोड में कुछ भी ऐसी गड़बड़ करी है तो उससे कोई मिसकंडक्ट नहीं होगा। जैसे कि शेड्यूल टू पार्ट वन सीएन प्रैक्टिस प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का क्लॉज वन बात करता है कॉन्फिडेंशियलिटी की, जो कहता है कि इफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट डिस्क्लोजेस एनी इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोफेशनल एंगेजमेंट टू एनी पर्सन अदर देन हिज क्लाइंट विदाउट द परमिशन ऑफ हिज क्लाइंट और एज रिक्वायर्ड बाई द लॉ, ही विल बी हेल्ड गिल्टी। तो सबसे पहली चीज ये समझ लो कि अगर आपकी फ्रेंड ने आपको कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई और आपने वो बात अपनी सहेली की सहेली को बता दी, जिसे आपको जरा भी नहीं बताना चाहिए था, तो ये क्लॉज नहीं लगेगा। ये सिर्फ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, पर्सनल कोड में कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच यहां नहीं आएगा, इन किसी भी क्लॉज में नहीं आएगा। कॉन्फिडेंशियलिटी में ध्यान क्या क्या रखना है वेरी वेरी क्विकली। सबसे पहली बात क्या बोलता है क्लॉज, डिस्क्लोजेस इंफॉर्मेशन कौन सी एक्वायर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोफेशनल एंगेजमेंट। ध्यान रखना दोस्तों, शेड्यूल टू के पार्ट वन में सारे क्लॉज में हमेशा ध्यान रखना कि ये क्लॉज किसके ऊपर एप्लीकेबल है। इज इट अ क्लॉज विच इज एप्लीकेबल ऑन ऑल असाइनमेंट और ओनली ऑन ऑडिट यानी ओपिनियन गिविंग असाइनमेंट। जैसे कि अगर आप देखोगे क्लॉज टू वो एप्लीकेबल फॉर ऑल असाइनमेंट, क्योंकि ये बोलता है इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोफेशनल एंगेजमेंट। इसका मतलब कि आप स्टॉक ऑडिट कर रहे हो या कंपनी ऑडिट कर रहे हो या टैक्स ऑडिट कर रहे हो या किसी कंपनी के लिए आप सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखने का काम करते हो, आईटी इंप्लीमेंटेशन करते हो या कंसल्टेंसी सर्विसेज देते हो, कोई भी प्रकार के प्रोफेशनल एंगेजमेंट में आपके क्लाइंट की कोई जानकारी आपको मिली और वो आपने क्लाइंट के अलावा किसी भी तीसरे व्यक्ति को दी, अनलेस क्लाइंट ने उसकी परमिशन दी थी या लॉ की रिक्वायरमेंट थी, आपको गिल्टी माना जाएगा। ध्यान रखना है इस क्लॉज में आपको ध्यान रखना है कि ना तो आप खुद डिस्क्लोज करोगे ना आपका कोई भी स्टाफ का आदमी कर सकता है। आपकी जिम्मेदारी है कि आपको इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी प्रोटेक्ट करके रखना होगी। कभी आपके ऑफिस से कुछ सामान चोरी हो जाए जिसमें क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक हो जाए, प्राइमा फेसी आपको गिल्टी माना जाएगा अनलेस आप प्रूव कर सको कि हमने हर संभव प्रयास किया था कि इस तरह की थेफ्ट ना हो, चोरी ना हो। यानी आपके कंप्यूटर से क्लाइंट का कोई डेटा कोरियन हैकर्स ने हैक कर लिया और उसको मिसयूज कर लिया, क्लाइंट आपको इनफैक्ट सीए इंस्टीट्यूट आपके अगेंस्ट में एक्शन ले सकता है। क्लाइंट एक्शन ले सकता है या नहीं, दिस विल डिपेंड ऑन बेसिकली द वेरियस अदर एक्ट्स, बट कोड ऑफ एथिक्स एज यू नो इज ओनली टॉकिंग अबाउट डिसिप्लिनरी एक्शंस। दैट मीन्स इसमें जो भी एक्शन की बात होगी वो सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूट लेगा, किसके अगेंस्ट में, चार्टर्ड अकाउंटेंट के अगेंस्ट में। शेड्यूल टू के सारे मिसकंडक्ट के जितने भी एक्शन होते हैं ये सारे एक्शंस लेने का पावर होता है डिसिप्लिनरी कमिटी के पास, जिसके पास पावर है कि वो चाहे तो आपकी डिग्री भी परमानेंटली सीज कर सकता है। एज यू नो शेड्यूल टू के मिसकंडक्ट में आपकी डिग्री परमानेंटली आपसे छीनी जा सकती है, इसलिए इन सारे मिसकंडक्ट्स को सीरियस मिसकंडक्ट्स कहा जाता है एज अगेंस्ट शेड्यूल वन विच इज माइल्ड मिसकंडक्ट। तो शेड्यूल टू पार्ट वन क्लॉज वन कॉन्फिडेंशियलिटी क्या कहता है, बिना क्लाइंट की परमिशन से क्लाइंट की रिक्वायरमेंट सॉरी क्लाइंट की इंफॉर्मेशन किसी भी दूसरे व्यक्ति के साथ आप शेयर नहीं करेंगे। ध्यान रखना क्लाइंट की परमिशन किससे मिलना चाहिए, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से। अगर आपको लगता है इन्फॉर्मेशन देने का अधिकार सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास था, तो जब तक बोर्ड की परमिशन नहीं होगी तब तक आप इन्फॉर्मेशन किसी को डिस्क्लोज नहीं करोगे।
एक डायरेक्टर ने दूसरे डायरेक्टर की इंफॉर्मेशन मांगी, आप समझ सकते हैं दूसरा डायरेक्टर क्लाइंट की इंफॉर्मेशन क्लाइंट के पर्पस के लिए नहीं मांग रहा है। यहाँ पे भी कॉन्फिडेंशियलिटी का क्लॉज लगेगा, आपको इंश्योर करना है किसी भी डायरेक्टर या स्टाफ के व्यक्ति के लिए आप पर्सनल बेनिफिट के लिए इंफॉर्मेशन शेयर ना कर दें, यानी क्लाइंट में अप्रोप्रिएट अथॉरिटी की परमिशन से ही आप इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, वो आपका जजमेंट होगा कि अप्रोप्रिएट अथॉरिटी कौन है। मुद्दा एक उठता है कि अगर लॉ की रिक्वायरमेंट है तो क्या हम इंफॉर्मेशन देंगे, यानी कि हमारे घर में इनकम टैक्स के अधिकारी आ गए और उन्होंने बोला दिस इज स्पेशल 26 एंड दिस इज अ रेड इन योर ऑफिस। सीए खुश हो गया, उसने कहा कि ओ आपको लगता है हम इतने पैसे कमाते हैं कि हमारे यहां भी इनकम टैक्स की रेट पड़ना चाहिए। स्पेशल 26 के अफसर ने कहा छोड़ यार, तेरे यहां कहां रेट करेंगे, तेरे आर्टिकल्स के चेहरे को देख के समझ में आता है कि क्या स्थिति है तेरे, तेरे क्या स्थिति है तेरे आर्टिकल्स की और तेरी चार्टेड अकाउंटेंट, उन आर्टिकल्स में तेरा अतीत छुपा नजर आता है। तो दोस्तों मुद्दे की बात यह है कि हमारे सीए साहब के यहां पर रेड सीए की कमाई के कारण नहीं पड़ी है, उसके किसी क्लाइंट ने बहुत पैसा कमाया इसलिए क्लाइंट की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए सीए के यहां रेट पड़ी है। अब सीए कहता है कि मैं अपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन दूंगा तो क्लॉज वन लग जाएगा। क्या क्लॉज वन बोलता है क्या कि आप इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते या एक्सेप्शन देता है? एक्सेप्शन देता है। तो लीगल अथॉरिटी स्पेशल 26 का वो अफसर आपको कह सकता है कि एज पर शेड्यूल 2 पार्ट 1 क्लॉज 1 देयर इज एन एक्सेप्शन, लॉ की रिक्वायरमेंट हो तो इंफॉर्मेशन मांगी जा सकती है, और अगर वो अफसर ऐसा कहेगा तो उससे पूछना जरूर। सीए फाइनल पढ़ा कहां से था यार दोस्तों, इसका मतलब लॉ को इंफॉर्मेशन देने में कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इसके ऊपर कभी झगड़ा हुआ था और झगड़ा इस बात का हुआ था कि भाई लॉयर से तो कभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकता, लॉयर के पास पावर होता है कि वो अपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन सीक्रेट रख सकता है, तो फिर हम चार्टर्ड अकाउंटेंट से क्यों इंफॉर्मेशन मांगी जाती है? हम भी तो ट्राइब्यूनल लेवल तक लॉयर की तरह जाके हमारे क्लाइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, वी आर ऑल्सो देयर ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, व्हाई डू नॉट वी हैव द पावर टू सीक्रेट कीप सीक्रेट द इंफॉर्मेशन ऑफ द client against the legal bodies? The answer to this was given by the lords in a court case which was filed in London. And that answer, that decision of the lords is even used by the CA Institute to give guidance to our chartered accountant members. दोस्तों लॉयर और सीए में एक बेसिक फर्क होता है। लॉयर का एथिक ये नहीं कहता कि सच्चाई की जीत हो। लॉयर का एथिक्स कहता है यू शुड ऑलवेज attempt to give your client justice. यानी वहां पे ये कहा गया है कि खूनी के पास भी अधिकार है कि उसके पास एक लॉयर हो सकता है और वो लॉयर उसके फेवर में कार्य कर सकता है, इसलिए उसके एथिक्स ये नहीं कहते कि आप सच्चाई की जीत कराएं, वो कहते हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके क्लाइंट के प्रति है, लेकिन हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जिम्मेदारी ऐसी नहीं है क्योंकि वी आर पार्टनर्स इन नेशन बिल्डिंग। हमारा काम यह नहीं है कि हम क्लाइंट के एडवोकेट बनके उसकी मदद करें, हमारा काम है जो सही है हम उसे रिपोर्ट करें। वी आर अ टेस्टिंग अथॉरिटी, हम प्रूव करते हैं, बताते हैं, कंफर्म करते हैं, सर्टिफाई करते हैं कि चीजें सब कुछ सही है या नहीं है। तो दोस्तों उस एंगल से चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास ऐसा पावर नहीं होना चाहिए, लेकिन यह मुद्दा जब उठाया गया तो लॉर्ड्स ने डिसीजन दिया लंडन में, जिसको हम इंडिया में यूज करते हैं, जिसमें कहा गया कि ए चार्टर्ड अकाउंटेंट सबसे पहली बात तुम ये समझ लो तुम इंफॉर्मेशन सीक्रेट क्यों रखना चाहते हो। सीए ने बोला भाई ऐसे ही समझो, लॉर्ड्स ने कहा नहीं क्यों रखना है, तुम्हारे पास कोई फ्रॉड की जानकारी है ही नहीं कंपनी के बारे में, क्योंकि होती तो तुमने रिपोर्ट में डाला होता, बोलो सही बोल रहे हैं ना, बोलो बोलो बोलो। सीए चुप, हम ला हाँ हमारे को तो जानकारी नहीं है। तो फिर लॉर्ड्स ने कहा शेयर करने में क्या दिक्कत है, तो सीए को इन्फॉर्मेशन क्या देना पड़ेगी? हाँ देना पड़ेगी, इसलिए कहा गया है कि अगर सीए को कभी भी क्लाइंट के टैक्स रिटर्न्स में फ्रॉड्स दिखें या टैक्स ऑडिट के दौरान फ्रॉड्स दिखें या सिमिलरली किसी दूसरे ऑडिट में फ्रॉड्स दिखें तो क्लाइंट को बोले डिस्क्लोज कर दो, नहीं करेगा तो हम करेंगे। कभी सीए को लगता है डिस्क्लोज करके मतलब नहीं है और भी फ्रॉड्स हो सकते हैं तो इंस्टीट्यूट कहता है आप विड्रॉ कर सकते हो, ऐसे 240 भी अलाउ करता है आपको विड्रॉ करने के लिए आफ्टर इंटीमेटिंग योर विड्रॉल टू कंसर्न्ड पर्संस। अगर आप विड्रॉ करोगे तो एक सवाल उठता है, विड्रॉ करने के बाद अगर इनकम टैक्स अथॉरिटी आपके पास आई और आपसे जानकारी मांगी तो आपको देना होगी क्या? लॉर्ड्स ने कहा नहीं, फिर आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है टू शेयर क्लाइंट इन्फॉर्मेशन इफ यू हैव रिजाइन फ्रॉम दैट असाइनमेंट। तीसरा सवाल आया कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन लेने इनकम टैक्स अथॉरिटी आई,
हमारे पास जो भी जानकारी है उसमें वी नो एवरीथिंग इज प्रॉपर, लेकिन पिछले सालों में कुछ फ्रॉड्स हुए थे पर मैं पिछले सालों का ऑडिटर नहीं था, क्या वो जानकारी मुझे देना पड़ेगी? ऑब्वियस सी बात है कि आप जिस साल के ऑडिटर हैं आपको सिर्फ उसी साल की इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत है। कई बार ऐसा होता है कि अगर आपने फॉर्म का ऑडिट किया है तो हो सकता है आपके पार्टनर्स के रिटर्न के फ्रॉड के बारे में कुछ जानकारी हो। कभी इनकम टैक्स अथॉरिटी आपसे पार्टनर्स के इंडिविजुअल रिटर्न्स के बारे में बात करने आए और पूछने आए तो आपको जानकारी देने की कोई जरूरत नहीं। इसके अलावा आप कभी भी डाउट में हैं तो आप पूछ सकते हैं किसी लीगल एडवाइजर से, क्या हमारे पास सेक्शन 126 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट का पावर अवेलेबल होगा जहां पे हम इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स अथॉरिटी या सिमिलर अथॉरिटी से सीक्रेटिवली रख पाएंगे। दिस इज बेसिकली और शेड्यूल 2 पार्ट 1 क्लॉज 1, दीज आर प्रोविजंस रिलेटिंग टू फ्रॉड एंड सेक्शन 126। पार्ट 2 पे आते हैं दोस्तों। पार्ट 2 किसकी बात करता है? सॉरी, क्लॉज 2 पे आते हैं। क्लॉज 2 किसकी बात करता है? क्लॉज 2 बेसिकली बात करता है बिना काम किए सर्टिफाई कर दिया। 30 तारीख को क्लाइंट आपके यहाँ आया और आपने बहुत चिल्लाया उसको कि इस बार तो टैक्स ऑडिट तेरा साइन ही नहीं करेंगे, ये वो बहुत बातें सुनाई, और फाइनली आखिरी में हुआ क्या? कुछ नहीं, सीए ने बोल दिया, बोले अगली बार जल्दी आना तो ही साइन कर रहे हैं इस बार। और सीए ने रिपोर्ट साइन कर दिया और आर्टिकल्स को बोला आर्टिकल्स कल छुट्टी ले लो क्योंकि बहुत काम करा है तुमने 1 महीने, परसों से इस क्लाइंट के यहाँ जाके ऑडिट करना, रिपोर्ट तो इसकी हमने आज साइन कर दी है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ऑडिट अपन पूरा करेंगे। क्या ये चलेगा? ऑब्वियसली नहीं। आपने बिना चेकिंग किए किसी चीज को सर्टिफाई किया है, ये क्लॉज 2 में मिसकंडक्ट माना जाएगा। तो अगर आपने बिना चेक किए या बिना देखे या सर्टिफाई करने के बाद चेक करने का सोचा, ऐसा कुछ भी किया है तो क्लॉज 2 अट्रैक्ट होता है। ध्यान रखना क्लॉज 2 इज नॉट ग्रॉस नेग्लिजेंस, उसके लिए क्लॉज 7 है। नेग्लिजेंस में और चेक नहीं करने में दोनों में फर्क है। नेग्लिजेंस का मतलब है कि आपने काम ढंग से नहीं किया, चेक नहीं करने का मतलब है कि आपने आंख बंद करके बिना कुछ चेक किया एज इट इज अपनी रिपोर्ट दे दी। क्लॉज 2 विल बेसिकली कवर यू व्हेन यू हैव नॉट चेक्ड थिंग्स एट ऑल एंड यू हैव सर्टिफाइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आइए पढ़ते हैं क्लॉज 2 क्या था। क्या इट से सर्टिफाइज और देखें क्या बोलता है। सर्टिफाइज और सबमिट्स इन हिज नेम और नेम ऑफ हिज फॉर्मर रिपोर्ट ऑन एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विदाउट अनलेस, इनफैक्ट इट सेज अनलेस एग्जामिनेशन ऑफ सच स्टेटमेंट्स एंड रिलेटेड रिकॉर्ड्स has been made by him, partner, employee or another CA in practice. तो क्या बोलता है? सबसे पहली बात क्लॉज शुरू कैसे होता है? वो बोलता है परमिट्स। इनफैक्ट इफ यू टॉक अबाउट क्लॉज 2 बेसिकली किसकी बात कर रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। तो यहाँ पे वो रादर क्या करेगा? ही विल रादर यूज द वर्ड सर्टिफाइज। तो इसलिए यहाँ पे शब्द यूज किया गया है सर्टिफाइज और सबमिट्स। सर्टिफाइज और सबमिट्स इन हिज नेम और नेम ऑफ हिज फॉर्म। क्लॉज कैसे बनाए आगे बढ़ रहा है वो देख रहे हैं अपन। सर्टिफाइज और सबमिट्स इन हिज नेम और नेम ऑफ हिज फॉर्म। क्या सर्टिफाई या सबमिट कर रहा है? रिपोर्ट ऑन एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अनलेस सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ऑब्वियस सी बात है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर रिपोर्ट देने के लिए रिलेटेड रिकॉर्ड्स भी चेक करना होंगे। अनलेस सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रिलेटेड रिकॉर्ड्स हैव बीन एग्जामिन्ड। किसने एग्जामिन किया है? तो अनलेस द एग्जामिनेशन ऑफ सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिलेटेड रिकॉर्ड्स हैज बीन डन बाय हिमसेल्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट और हिज एम्प्लॉय और हिज पार्टनर और अनदर सी इन प्रैक्टिस। ध्यान रखना इसका मतलब एक और है कि आप अपना काम आउटसोर्स नहीं कर सकते, करना भी है तो किसी सी इन प्रैक्टिस से चेक कराना पड़ेगा। ये तरकीब जरा भी नहीं चलेगी कि आपके पास कोई काम आया और आपने उसे नॉन सीए को दे के पूरा का पूरा काम उससे करा लिया। कुछ लॉ में दूसरे सीएन प्रैक्टिस से भी काम कराना अलाउड नहीं होता है दोस्तों। जैसे अभी अभी आप लोगों ने आपके ऑफिसेज में बैंक ऑडिट हुए होंगे, अप्रैल के महीने में जो बैंक ऑडिट होते हैं कई सीए आपने सुना होगा शायद ऐसा करते हैं कि पूरा का पूरा बैंक ऑडिट किसी और को दे देते हैं और बोलते हैं सीएन प्रैक्टिस तू जाके ऑडिट करा, हमारे पास समय नहीं है। अप्रैल में बच्चों की स्कूल में गर्मी की छुट्टियां लगती है इसलिए हम घूमने जा रहे हैं, तू मेरे दोस्त मेरे आर्टिकल जो तू मेरा पहले आर्टिकल था और अब सीए बन गया उसको मैंने काम दिया, तू जाके चेक करके आ जा। तू तो एक सीएन प्रैक्टिस है। कौन? जो मेरा पहले आर्टिकल था और अब क्या बन गया? सीएन प्रैक्टिस। मैंने बोला जा तू चेक करके आ जा मेरे बिहाफ पे बैंक ऑडिट तू करके आ जा। क्या मैं एक सीएन प्रैक्टिस से बैंक ऑडिट करा सकता हूँ? मैं कहूंगा क्लॉज 2 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आरबीआई मना करता है। बैंक ऑडिट में आउटसोर्सिंग जला भी अलाउड नहीं है, नॉट इवन डू अ सीएन प्रैक्टिस। दैट विल गेट कवर्ड बेसिकली अंडर अदर मिसकंडक्ट बट नॉट अंडर क्लॉज 2। चलिए क्लॉज 3 पर आएंगे अब। इसके बाद में क्लॉज 3 में बात होती है परमिट्स इज नेम। ध्यान रखना 2 में क्या था? सर्टिफाइज और सबमिट्स। क्या था क्लॉज 2? सर्टिफाइज और सबमिट्स।
in his name or name of his firm. A report on examination of financial statement, unless examination of such financial statement and related records has been done by him, partner, employees or another CA in practice. यहाँ पे क्या है, permits, वहां क्या था certify. ये basically forecast की बात कर रहे हैं. Forecast ऐसे भी आप certify नहीं करोगे, आप forecast में अपना नाम जाने दोगे कि भाई तूने forecast बनाई है, projection बनाए, तो चल मैं मेरा नाम दे देता हूँ और बोल देता हूँ कि तेरा forecast projection सही है. ऐसा मत कर देना, क्योंकि forecast और projection का मतलब तो होता है future में क्या होने वाला है. Future में क्या होने वाला है ये तो हमें पता ही नहीं है. पता होता तो जितने अटेम्प्ट में हम रुके हैं उतने अटेम्प्ट हम देते ही नहीं, सीधे पास होने वाला ही देते, फर्स्ट अटेम्प्ट तो कहलाते, भले ही 10 अटेम्प्ट बाद देते. अरे सर शुभ शुभ बोलो. यानी यहाँ पे हम फोरकास्ट को किसी भी केस में क्या नहीं कर सकते, उसकी एक्यूरेसी की वाउचिंग सर्टिफिकेशन नहीं कर सकते. क्लॉज कैसे बनाए देखिए, परमिट्स इज नेम और नेम ऑफ फर्म, सिमिलर है स्टार्टिंग, लेकिन शुरुआत किससे हुई है, शब्द परमिट्स. शेड्यूल टू के क्लॉजेस याद रखना थोड़े मुश्किल होते हैं, क्यों, क्योंकि एक जैसे लगते हैं, इसलिए मैं आपको स्पेसिफिकली फोकस करवाऊंगा कहां कहां क्या क्या चीजें देखना है. जैसे क्लॉज वन बहुत सिंपल था कॉन्फिडेंशियलिटी का, टू और थ्री थोड़ा सिमिलर है, टू बात करता है सर्टिफाइज और सबमिट्स, थ्री बात करता है परमिट्स. परमिट्स इज नेम और नेम ऑफ फर्म टू बी यूज्ड इन कनेक्शन विद एन एस्टिमेट विच इज कंटिंजेंट, एस्टिमेट ऑफ अर्निंग्स दैट इज कंटिंजेंट. क्या बोला, एस्टिमेट ऑफ अर्निंग्स कंटिंजेंट अपॉन वॉट, फ्यूचर ट्रांजेक्शन, सच दैट इट लीड्स that he is vouching for the accuracy of such forecast. Dekhen. Permits his name or name of his firm to be used in connection with estimate of earnings contingent upon future transactions in a manner which may lead to the belief that he vouches for the accuracy of the forecast. So SAE 3402 basically, sorry I repeat, SAE 3400 बात करता है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, और प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर ऑडिटर अपनी रिपोर्ट सबमिट कर सकता है, लेकिन उसको अपनी रिपोर्ट में साफ साफ लिखना होता है कि ये एक फोरकास्ट या प्रोजेक्शन है. फोरकास्ट इज बेस्ड ऑन रीसेंट पास्ट डेटा on which we are building the near term forecast. That means forecast is basically based on past real data jisse hum predict karte hain near future mein kya hoga. It's like exam dene ke baad result predict karna. Projection is CA banne ke baad itte kama lunga, itte saal mein itte paise aa jayenge, usse itta paisa aur ban jayega aur hum yahan pe pahunch jayenge. That is projection. They are based on hypothetical assumptions. फोरकास्ट हो या प्रोजेक्शन, दोनों के ऊपर रिपोर्ट देते समय लिखना होगा कि ये फोरकास्ट प्रोजेक्शन है, यानी कि ये एक्चुअल डेटा, या ये बेसिकली आपके एक्चुअल में यही डेटा यही फिगर्स अचीव हो जरूरी नहीं है. इनफैक्ट ऐसा हो सकता है कि फोरकास्ट और एक्चुअल्स में फर्क हो, ऐसा एक डिस्क्लेमर देना पड़ता है ताकि यूजर को ये ना लगे कि ऑडिटर फोरकास्ट को सर्टिफाई कर रहे हैं. अक्सर फोरकास्ट पे साइन कैसे लोग करवाते हैं, कोई LIC एजेंट या कोई म्यूचुअल फंड की कंपनी आ गई और उसने बोला हमने अज्यूम किया है कि हमारा ये म्यूचुअल फंड स्कीम में 25% का रिटर्न आने वाले 10 सालों तक आएगा, तो लोग अगर 100-100 रुपए 10 साल तक लगाएंगे तो ये 100-100 रुपए 10 साल में, हम 10 साल में 1000 जो इकट्ठे किए हैं वो 10,000 करके दे देंगे 10 टाइम्स. इस तरह की प्रोजेक्शन बना के अगर आपने सीए से साइन करवा के मार्केट में सर्कुलेट कर दिया तो ऑब्वियसली बात है लोगों को सीए की साइन देख के ऐसा लगेगा कि शायद वाकई में सीए भी ये कहता है कि ऐसा हो सकता है. इसलिए इंस्टीट्यूट कहता है कि कभी भी अपना नाम यूज नहीं करने देना किसी को भी कोई भी ऐसी अर्निंग्स के एस्टिमेट में जो कंटिंजेंट है फ्यूचर ट्रांजेक्शन पर. करने भी देना तो ऐसे ही 3400 स्टैंडर्ड ऑन अदर अश्योरेंस एंगेजमेंट 3400 जैसे कहे वैसे ही यूज करना. सिंपल और बहुत ही सेपरेट इंडिपेंडेंट अलग तरह का क्लॉज, क्लॉज 3. क्लॉज 4 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्लॉज, क्लॉज 4 सब्सटेंशियल इंटरेस्ट. एक्सप्रेसेस ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ बिजनेस और एन एस्टैब्लिशमेंट वेर ही और हिज पार्टनर और हिज फर्म हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट. दोस्तों क्लॉज 1 में मैंने आपको कहा था कॉन्फिडेंशियलिटी का क्लॉज है, ध्यान रखना. क्लॉज 1 हर प्रोफेशनल एंगेजमेंट पे लगता है,
लेकिन क्लॉज फोर सिर्फ उन एंगेजमेंट पे लगता है जहाँ पे आप ओपिनियन दे रहे हैं। अगर आप किसी के ऊपर ओपिनियन दे रहे हैं तो ध्यान रखना कि वहाँ पे आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हुआ तो आपका ओपिनियन बिगड़ सकता है। इसका मतलब क्या है? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हुआ तो ओपिनियन बिगड़ सकता है। व्हाट डज दिस मीन्स? हमारे दोस्त दोस्त झगड़ रहे थे आपस में और हमको बोला गया कि राम भैया आप बताइए सही क्या है। विवेक भैया, विवेक भैया ये सही किरदार होगा। तो आप समझ लीजिए कि से फॉर एग्जाम्पल हमारे दो भाई लड़ रहे थे, सलमान और सैफ, दोनों लड़ाई कर रहे हैं, ढिशुम ढिशुम हो रही है, और बोला गया विवेक भैया आप बताइए, विवेक भैया, विवेक भैया का एक हाथ जेब में, विवेक भैया आप बताइए सही कौन है। तो हो सकता है विवेक भैया ऑब्जेक्टिवली बिना किसी के पक्षपात के सही डिसीजन ले सकें, लेकिन आप समझिए कि अगर एक भाई और एक भाई नहीं है, इसका मतलब सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है नहीं है। ऐसी सिचुएशन में हो सकता है कि आपका ओपिनियन बायस्ड हो। इसका मतलब सिंपल है, आपको कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं करना है जो आपका सेल्फ इंटरेस्ट क्रिएट करे। इसे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट कहते हैं। आपका खुद का इंटरेस्ट होगा तो ऑब्वियस सी बात है आप ओपिनियन इंडिपेंडेंट नहीं दे पाओगे। अब यहां पे भी एक इंपॉर्टेंट चीज किसकी है? ओपिनियन देने की। जैसे कि एक सिंपल सी चीज समझिए, सपोज आपके डैड ने आपको एक काम दिया और बोला कि यार इसका टोटल लगा के दे दे। अब इसी बात है, टोटल लगा के देना कोई ओपिनियन देना नहीं है, ये तो सिर्फ एक यू कहा जा सकता है कि इट इज बेसिकली अ स्पेसिफाइड प्रोसीजर विच वी आर परफॉर्मिंग एंड गिविंग द रिजल्ट। इट्स अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, नो स्टेटमेंट ऑफ ओपिनियन। अब इसमें आपकी ऑब्जेक्टिविटी का कोई लेना देना या मतलब नहीं है। यू कैन अंडरस्टैंड दैट। बट वहीं पर सपोज फॉर एग्जाम्पल उसने आपसे पूछा कि बताओ मैं कैसी लग रही हूं आज, समझिएगा बात को। यहां पे आपको फैक्ट्स नहीं देना है, पहली बात तो देना मत भूल के भी। क्यों? क्योंकि फिर तुमसे पूछना बंद कर देगी, पूछेगी जरूर किसी और से, और समझ लो इससे फिर क्या होगा। तो उसने पूछा आपसे कि आज मैं कैसी लग रही हूं, अब आप बताइए क्या यहां फैक्ट स्टेट करोगे या ओपिनियन देना है? ओपिनियन देना है, और ओपिनियन देना है तो अगर आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हुआ तो आपका ओपिनियन बायस्ड होगा। अपना कोई सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है ही नहीं, अपन फर्स्ट अटेम्प्ट वाले ध्यान ही नहीं देते ऐसी सब बातों पे, चीजों पे, तो अपन स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देंगे कि दिख रहा है खूब सारा फाउंडेशन लगाया है, अलग से ही समझ में आ रहा है फाउंडेशन। एनीवेज, समझो मुद्दे की बात समझ में आ गई आपको। इंटरेस्ट हुआ तो ओपिनियन बाइस्ड होगा। अब सवाल ये होता है सर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या है और किसका नहीं होना चाहिए? ओके, तो अपन इस पर्टिकुलर क्लॉज में तीन चीजें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात, ओपिनियन देने के लिए मना किया है। दूसरा, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होगा तो नहीं देना। तीसरा, किसका नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात ओपिनियन। ओपिनियन में कौन कौन सी सेवाएं आएंगी? इट विल इंक्लूड एनी काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन अटेस्टेशन वर्क वेर वी आर बेसिकली गिविंग अ कमेंट ऑन एनी पर्टिकुलर मैटर बेस्ड ऑन विच अ थर्ड पार्टी में रिलाई ऑन दैट। यानी प्रैक्टिकली इंटरनल ऑडिट में एज सच इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अलग अलग लॉज में भी कहा है, क्योंकि इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट इंटरनल होती है, डायरेक्टर्स के लिए होती है, कोई थर्ड पार्टी उस पर रिलाई नहीं करती। तो वहां पे इंडिपेंडेंस इज डिजायरेबल, इट इज नॉट मैंडेटरी एज सच। बट टैक्स ऑडिट, कंपनी ऑडिट में डेफिनेटली होगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपाइलेशन के असाइनमेंट से नहीं होंगी, लेकिन कोई हमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देना है, डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमें ओपिनियन देना होगा। ध्यान रखना कंसल्टेंसी असाइनमेंट्स कवर नहीं होंगे। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में आप ओपिनियन मैनेजमेंट को देते हो, यू डोंट गिव एन ओपिनियन ऑन मैनेजमेंट वर्क्स टू एनी थर्ड पार्टी। तो अगर बैंक आपको अपॉइंट कर रही है और बोल रही है यार जाके वहां पे क्या करो, स्टॉक वेरीफाई करो और एक रिपोर्ट बना के दो कि उसके स्टॉक की कंडीशन क्या है, एक ओपिनियन दो, तो डेफिनेटली अलग क्लॉज अट्रैक्ट होगा। अगर आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है आप मना कर दीजिए, लेकिन सिंपल स्टॉक काउंट करके हमें काउंट करके देना है तो इसमें कोई ओपिनियन नहीं दे रहे हैं ऐसे हम, तो ये काम सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होने के बावजूद भी किया जा सकता है। अगला सवाल आता है कि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात, आपका आपके रिलेटिव का, रिलेटिव एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 18 में एनी पर्सन हो मे इन्फ्लुएंस योर डिसीजन मेकिंग, लाइक फादर मदर ब्रदर सिस्टर सन डॉटर लीनियन असेंडेंट्स लीनियन डिसेंडेंट स्पाउस। ऐसे सारे लोगों को रिलेटिव माना गया है। आपका इनका
मिला जुला के कैसे भी अगर 20% या उससे ज्यादा स्टेक है तो माना जाएगा आपका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। 20% कैसे देखेंगे, कंपनी है तो वोटिंग पावर, पार्टनरशिप फॉर्म इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन है तो प्रॉफिट शेयर। अगर आपका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट हुआ तो आप डिस्क्वालिफाई। तो क्या सब्सटैंशियल इंटरेस्ट सिर्फ वोटिंग पावर से ही आएगा 20% के? नहीं, अलग अलग समय पर इंस्टीट्यूट ने अलग अलग तरह की चीजें स्पेसिफाई की हैं जिन्हें सब्सटैंशियल इंटरेस्ट माना गया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में पार्ट टाइम फुल टाइम कोचिंग करते हो तो वहां पे आपका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट माना जाएगा, आप वहां का ऑडिट नहीं कर सकते। आप किसी ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, आप वहां का ऑडिट नहीं कर सकते। आप किसी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिख रहे हो, माना जाएगा आपका इंटरेस्ट है, आप वहां का ऑडिट नहीं कर सकते। सेल्फ रिव्यू थ्रेट क्रिएट होती है। अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं, स्वयं खुद डायरेक्टर हैं, तो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। एज पर कोड ऑफ एथिक्स अगर आपकी रिलेटिव डायरेक्टर है तो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट नहीं है जब तक रिलेटिव का 20% या उससे अधिक स्टेक ना हो। लेकिन कंपनीज एक्ट के सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 में अगर आप देखेंगे तो साफ साफ कहा गया है क्लॉज एफ के अंतर्गत कि रिलेटिव अगर केएमपी या डायरेक्टर है तो उस केस में ऑडिटर ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करेगा, पर ये सिर्फ कंपनीज के लिए। हालांकि कंपनीज एक्ट की यही डिस्क्वालिफिकेशन इनकम टैक्स ने भी बोरो की है, टैक्स ऑडिट में भी ये डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो जाएगी। अदरवाइज यहां पे रिलेटिव का डायरेक्टर होना सब्सटैंशियल इंटरेस्ट नहीं है एज पर कोड ऑफ एथिक्स, जब तक उसका 20% या उससे अधिक स्टेक ना आ जाए। इफ यू आर अ लिक्विडेटर ऑफ अ कंपनी, ऑब्वियसली आप सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, क्योंकि आप ही काम कर रहे हो लिक्विडेशन का, आप ही उसका ऑडिट करोगे, मामला बिगड़ जाएगा। तो ये कुछ लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज अलग अलग समय पर इंस्टीट्यूट ने नोटिफाई की जहां पे आपका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट माना जाता है, और किसका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, आपका, पार्टनर का, फॉर्म का। आपका नहीं होना, पार्टनर का नहीं होना, फॉर्म का नहीं होना, इसका मतलब आप यानी आप और आपके रिलेटिव्स, पार्टनर यानी पार्टनर और उसके रिलेटिव्स, फॉर्म यानी आप और आपके पार्टनर सब मिला जुला के प्लस उनके सबके रिलेटिव्स, इन सबका मिला के ये सब्सटैंशियल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। यू कैन सी दिस पर्टिकुलर थिंग जस्ट टू गेट एन आइडिया। हर कोई पर्टिकुलर व्यक्ति, उस पर्टिकुलर व्यक्ति के जितने भी रिलेटिव्स हैं, व्यक्ति रिलेटिव्स, ओके दिस इज समथिंग विच आई विल एक्सप्लेन। ऐसे ही व्यक्ति रिलेटिव्स, पर्सन रिलेटिव, ये तीनों और इन तीनों के रिलेटिव्स, अगर इनका किसी संस्थान में 20% या उससे ज्यादा स्टेक है तो उस संस्थान को भी इंक्लूड किया जाएगा, और ये पूरी की पूरी बॉडी इसका सबका मिला जुला के भी अगर 20% या उससे अधिक स्टेक है तो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट माना जाएगा। चलिए, नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्लॉज विच इज क्लॉज 5। दोस्तों क्लॉज 5 की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट क्लॉज 5, ओ ये कहाँ गया मैं, चलिए क्लॉज 5, 6, 7 छोड़ दो, 8, 9, 10 इन सारे के सारे क्लॉजेस को रटने की आपके पास एक बढ़िया तरकीब है। ये सारे क्लॉज में ध्यान रखना शुरुआत फेल्स शब्द से होती है। ऑल दीज क्लॉजेस स्टार्ट विद द वर्ड फेल्स। क्या बोला है क्लॉज 5 में? फेल्स टू डिस्क्लोज। क्लॉज 6 में जाओगे फेल्स टू रिपोर्ट। 7 छोड़ दीजिए, 8 और 9 और 10 वहां पर जाएंगे, वहां पे भी आपको सारे के सारे क्लॉज की शुरुआत किससे होती हुई मिलेगी? फेल्स टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, फेल्स टू ब्रिंग टू नोटिस मटेरियल डिपार्चर्स फ्रॉम जनरली एक्सेप्टेड ऑडिट प्रोसीजर्स, फेल्स टू कीप क्लाइंट्स मनी। ये बहुत बढ़िया तरीका है 5, 6, 8, 9, 10 क्लॉज याद रखने का। मेरा मानना है, एज अ स्टूडेंट जब मैं भी इन क्लॉजेस को याद करता था तो स्टार्टिंग वर्ड और उसका फ्रेज याद आ जाए तो पूरा क्लॉज रिदम में याद आ जाता था। तो ये ध्यान रखने की एक तरकीब हो सकती है आपके लिए। आई डोंट यूजुअली बिलीव इन दोज काइंड ऑफ निमोनिक बेस्ड मेमोरी टेक्निक जिसमें क्लॉज 1 से लेके क्लॉज 12 तक सारे के सारे क्लॉजेस आप एक सीक्वेंस में याद कर लो।
जैसे कि शेड्यूल टू पार्ट वन में 10 क्लॉज है, मैं आपको एक टेक्निक दूं कि ऐसी टेक्निक से 1 से 10 तक के सारे क्लॉज याद रख लो, दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प, क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया क्लॉज 7 8 का तो आपको पूरी कहानी अपने दिमाग में रिकैप करना पड़ेगी, तब जाके आप 7 8 तक पहुंचोगे। और हो सकता है वहां पे एग्जाम में अगर पहली बार में एकदम से आपको क्लिक नहीं हुआ कि 7 था या 8, तो दूसरी बार आप कहानी रिकैप करने का आपके पास उतना समय भी नहीं बचेगा, क्योंकि टाइम प्रेशर इतना भयंकर होता है। तो आई डू नॉट बिलीव इन दोज काइंड ऑफ टेक्निक्स, एटलीस्ट व्हेन कोड ऑफ एथिक्स इज देयर, वी रादर बिलीव इन टेक्निक्स व्हिच हेल्प अस टू लॉजिकली रिमेंबर दीज क्लॉजेस। एनीवेज, क्लॉज 5 बात करता है, फेल्स टू डिस्क्लोज अ मटीरियल फैक्ट नोन टू हिम, not disclosed in the financial statement, but disclosure of such fact is necessary to make the financial statement not misleading. Wolf ये कहता है, अगर आपने कोई भी ऐसी material fact है जो आपको पता थी, boss you knew कि ये material fact है जो कि financial statement में disclose नहीं है, लेकिन इसका disclosure जरूरी है financial statement को misleading ना होने से रोकने के लिए, और फिर भी आपने उसे डिस्क्लोज नहीं किया, तो आपको गिल्टी माना जाएगा। लास्ट पैराग्राफ की लाइन में, इनफैक्ट क्लॉज की लास्ट लाइन में देख लेना, कंसर्न्ड इन प्रोफेशनल कैपेसिटी, यानी यहाँ पे वो सारे असाइनमेंट आएंगे जिसमें आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ डील कर रहे हो। जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा हो तो समझ जाना फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल या उसका एक पार्ट, यानी यहाँ पे अगर आप ऑडिट कर रहे हो तो भी ये कवर होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपाइल कर रहे हो, अकाउंटिंग कर रहे हो तो भी कवर होगा, लेकिन टैक्स कंसल्टेंसी या मैनेजमेंट कंसल्टेंसी दे रहे हो तो ये वाला क्लॉज नहीं लगेगा। बैंक को आप रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, लोन लिया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कमेंट्री दे रहे हैं आप ताकि बैंक को से हमें लोन मिल सके, ये वाला क्लॉज एप्लीकेबल हो जाएगा। 5 पढ़ने से पहले 6 पढ़ते हैं और 6 और 5 को कंपेयर करके देखते हैं एग्जाम में कब कौन सा क्लॉज लगाना है। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कई स्टूडेंट्स को कि किस क्वेश्चन में कौन सा क्लॉज लगेगा, क्लियरली समझ में नहीं आता। 6 की शुरुआत और 5 की शुरुआत में भी फर्क है। 5 है फेल्स टू डिस्क्लोज, 6 है फेल्स टू रिपोर्ट। 5 है मटीरियल फैक्ट नोन टू हिम, 6 है मटीरियल मिस स्टेटमेंट नोन टू हिम। तो ये कहता है मटीरियल मिस स्टेटमेंट नोन टू हिम टू अपियर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स with which he is concerned in professional capacity. तो अगर आप देखें यहाँ पे तो ये basically provision क्या कह रहा है, the provision basically is talking, ओहो कहाँ जा रहा है बेटा, provision बोल रहा है fails to report a material misstatement which is known to him, material misstatement which is known to him, this is better, yes, sorry, to appear in financial statement with which he is concerned in professional capacity. अब आप देखो 5 और 6 समझा देता हूं। 5 material fact known to auditor, not disclosed, but necessary to be disclosed to avoid financial statement from becoming misleading. And auditor fails to disclose, guilty. 6 fails to report material misstatement known to him to exist in financial statements. Dono mein varies concerned with financial statement and professional capacity. फर्क करने का सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सा तरीका है। द मेजर डिफरेंस बिटवीन 5 एंड 6 इज नॉट फेल्स टू डिस्क्लोज एंड फेल्स टू रिपोर्ट, इट इज एक्चुअली मटीरियल मिसस्टेटमेंट एंड मटीरियल फैक्ट। मतलब बहुत सिंपल है, क्वेश्चन अगर ऐसा हो कि कोई फैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आना थी और नहीं आई, समथिंग लाइक ओमिशन, then you will actually go for class 5. लेकिन कोई information financial statement में आ रही है और गलत आ रही है, then you will go for class 6. This ideally should be the basic difference. क्योंकि गलती आती है तो हम report करते हैं गलत है, सही information अगर हमें नहीं दी गई है, गलत information दी, हम report करेंगे, लेकिन अगर कोई जानकारी देना थी और नहीं दी है
तो हम खुद वो जानकारी डिस्क्लोज करके ये बता देंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कमियां हैं। दोनों केस में ऑडिटर अपनी रिपोर्ट मॉडिफाई कर सकता है। मुद्दे की बात यह है कि ऑडिटर ने वो रिपोर्ट मॉडिफाई दोनों ही केस में नहीं किया, जबकि उसको पता था। तो 5 में आपको पता था कि ये जानकारी होना चाहिए, आपने नहीं डिस्क्लोज की, मैनेजमेंट ने ऑब्वियसली नहीं किया और आपने भी नहीं की, गिल्टी। 6 में कोई गलती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, आपको पता था और आपने उसको रिपोर्ट नहीं किया, गिल्टी। ये डिफरेंस है 5 और 6 में। तो अगर हम कहेंगे हमने लोन लिया था लेकिन बुक्स में दिखाया ही नहीं, तो हम कहेंगे कि यार ये तो फेल्स टू डिस्क्लोज मटीरियल फैक्ट। हालांकि इसमें मिसस्टेटमेंट भी हो रहा है, बट रेफरेंस 5 का आएगा। लेकिन हम बोलते हैं लोन लिया था हमने और वो जो लोन हमने लिया था वो पर्टिकुलर लोन को हमने डिपॉजिट शो कर दिया, इट्स अ मिसस्टेटमेंट, ये हमें रिपोर्ट करना है, क्लॉज 6 में आएगा। दोनों केस में ध्यान रखना, क्लॉजेस तभी लगेंगे जब ऑडिटर को पता था, अगर ऑडिटर को पता ही नहीं था तो ये क्लॉजेस नहीं लगेंगे दोस्त, क्योंकि ये दोनों क्लॉजेस किसके ऊपर हैं, भोले ऑडिटर पे या चतुर ऑडिटर पे। चतुर नहीं, चालाक, चालाक फंस गया, भोला था, यानी पता ही नहीं पड़ा कि ये सारी गलतियां हैं, तो क्लॉज 7 लगेगा। Does not exercises due diligence or is grossly negligent in conduct of his professional duties. 7 की खूबी ध्यान रखना, professional duties का मतलब हर assignment पे लगेगा। In fact, आप clause 7 किसी भी case में लगा सकते हो, हर वो case जो आपकी professional duty से related है। यानी अगर CA office में भी कोई गड़बड़ कर देता है तो हम उस केस में अपने ऑफिस की गड़बड़ियों के लिए भी CA को क्लॉज 7 में गिल्टी होल्ड कर सकते हैं। क्लाइंट का कोई काम गलत करता है तो ऑब्वियसली क्लॉज 7 में गिल्टी होल्ड किया जा सकता है। ड्यू डेलिजेंस का मतलब होता है सामान्य सूझबूझ, पर कौन सी सामान्य सूझबूझ जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे प्रोफेशनल से एक्सपेक्टेड है। ग्रॉस नेग्लिजेंस का मतलब होता है ग्रॉसली नेग्लिजेंट, जिसका मतलब क्या होता है, ही इज नॉट एक्सरसाइजिंग दैट मच डेलिजेंस विच अ पर्सन हु हैज बीन गिवन विथ द लीगल राइट टू अटेस्ट समथिंग शुड हैव एक्सरसाइज्ड। यानी एक व्यक्ति जिसको हमने अधिकार दिया है किसी चीज को सर्टिफाई करने का, उससे जितनी हमें उम्मीदें थी, अगर उस उम्मीद तक आपने चेकिंग नहीं की तो माना जाएगा कि आप ग्रॉसली नेग्लिजेंट हो या आपने ड्यू डेलिजेंस एक्सरसाइज नहीं की। आप इन वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। यानी इसमें किस तरह की चीजें आएंगी, मेरी कंपनी की बैंक में FD थी, मैं उसका, इनफैक्ट मैं जिस कंपनी का ऑडिट कर रहा था उसने बैंक में FD की थी, 500 करोड़ की FD थी, मैंने FD की रसीद चेक कर ली और बैंक मैनेजर से रिकन्फर्म नहीं किया, ऑब्वियस सी बात है ग्रॉस नेग्लिजेंस। कैश चेक ही नहीं करी मैंने, भूल गया, ग्रॉस नेग्लिजेंस। स्टॉक वेरीफाई नहीं किया और उसमें बाद में मालूम पड़ा स्टॉक में शॉर्टेज थी, ग्रॉस नेग्लिजेंस। मैंने स्टॉक वेरीफाई किया, सारा स्टॉक जैसा बताया गया था वैसा बुक्स में मिला और वैसा ही फिजिकली भी देखने को मिला, लेकिन वर्क इन प्रोग्रेस का कैलकुलेशन मैंने नहीं देखा। आई विल स्टिल से दिस इज ग्रॉस नेग्लिजेंस, नॉट एक्सरसाइजिंग ड्यू डेलिजेंस। स्टॉक मैंने चेक किया लेकिन मैं ये चीज देखना भूल गया कि कोई ऐसा स्टॉक तो नहीं है जो सोल्ड बट नॉट डिलीवर्ड है। आई विल स्टिल से दिस इज ऑल्सो ग्रॉस नेग्लिजेंस, नॉट एक्सरसाइजिंग ड्यू डेलिजेंस, क्योंकि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशनल से एक्सपेक्टेड होगा कि वो ये देखे कि सिस्टम्स के अनुसार ऐसा कभी होता है क्या कि सोल्ड गुड्स भी डिस्पैच नहीं होते। यानी ये सामान्य से ज्यादा है, दिस इज समथिंग विच इज बियॉन्ड कॉमन सेंस। एंड प्लीज रिमेंबर, ऐसा हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में 2 और 7 दोनों लग सके, जब पढ़ के आपको क्लियरली समझ में ना आए कि चेक ही नहीं किया या किया पर कम किया। जनरल चीजें ध्यान रखना, कैश इन्वेंटरी की चेकिंग को भूल जाना ग्रॉस नेग्लिजेंस में आता है, क्यों, क्योंकि ये बेसिक चीजें आपको ये तो चेक करना ही करना चाहिए। सर चेकिंग तो हमने बेइंतहा करी थी, बहुत अच्छे से करी थी, पर कमबख्त हमें क्या मालूम था कि हमारा क्लाइंट हमसे भी एक कदम आगे था, हो सकता है आप शेयर तो वो सवा शेयर। इसका मतलब वी चेक थिंग्स बट देन क्लाइंट वॉज वेरी कनिंग। ऐसे केस में क्या ऑडिटर जिम्मेदार होगा, ऑब्वियसली होना तो नहीं चाहिए अगर वो ये प्रूफ कर सके कि उसने अपने काम ऐसे इसके अनुसार किए। लेकिन जस्ट इन केस, सपोज फॉर एग्जांपल, अगर ऑडिटर नहीं प्रूफ कर पाया कि उसने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस गैदर किए थे, तो उसे गिल्टी क्लॉज 8 पे माना जाएगा, फेल्स टू ऑब्टेन, देखिए, फेल्स टू ऑब्टेन सफिशिएंट इंफॉर्मेशन व्हिच इज नेसेसरी फॉर एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन और हिज एक्सेप्शंस आर सफिशिएंटली मटेरियल टू निगेट द एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन।
इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? मतलब इसका है कि अगर आपने जानकारी पर्याप्त प्राप्त नहीं की, या आपके पास जितने एविडेंसेस हैं उससे जो ओपिनियन आपने दिया तो दोनों आपस में मैच नहीं करते, यानी आपके वर्किंग पेपर्स में ही हमने देखा है कि आपने कई सारी गलतियां ढूंढी थी फिर भी आप क्लीन रिपोर्ट दे बैठे, यानी देर आर एक्सेप्शंस विच आर मटीरियल इनफ टू निगेट द एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन। एग्जाम में ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन में बोला जाए ना ऑडिटर से गलत ओपिनियन चले गया, शायद क्लॉज 8 ही लगेगा। कई बार 8 के साथ 7 भी लग जाता है कि ऑडिटर ग्रॉसली नेग्लिजेंट था और इसी कारण से उसका ओपिनियन सफिशियंट इंफॉर्मेशन के द्वारा प्राप्त नहीं हो पाया। पर ये ध्यान रखना, रॉन्ग ओपिनियन के क्लॉजेस में क्लॉज 8 लगता ही लगता है। फेल्स टू ऑब्टेन सफिशियंट इंफॉर्मेशन विच इज नेसेसरी फॉर एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, जैसे 500 प्रोफेशनल जजमेंट है बट ऐसे बताता है वो जजमेंट कैसे लेना है, और इज एक्सप्रेशंस आर मटेरियल इनफ टू निगेट द एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, यानी उसकी जो वर्किंग पेपर्स फाइल्स हैं उन सब से जो जानकारी मिलती है वो इतनी मटेरियली स्ट्रांग है जो बताती है कि जो ओपिनियन आपने दिया है उससे आपके वर्किंग पेपर्स में दी गई जानकारी मैच नहीं होती है। नेक्स्ट क्लॉज 9 अगेन, फेल्स टू इनवाइट अटेंशन टू मटेरियल डिपार्चर फ्रॉम जनरली एक्सेप्टेड प्रोसीजर्स ऑफ ऑडिटिंग, यानी एसएएस का अगर आपने पालन नहीं किया है तो डिस्क्लोज कर दो ऑडिट रिपोर्ट में कि ऑडिट कुड नॉट बी डन एज पर एसएएस, या ये वाले ऐसे के ये वाली रिक्वायरमेंट का पालन नहीं हो पाया, या इस ऐसे के ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हो पाए। आपको मालूम होगा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आर मैंडेटरी, यू हैव टू कंपल्सरली फॉलो इट ऑन एनी एक्सटर्नल ऑडिट असाइनमेंट्स। तो अगर आप नहीं कर पाए और रिपोर्ट भी नहीं किया, ऑब्वियसली बात है गिल्टी माना जाएगा। ये बोलने की तो कोई जरूरत ही नहीं है कि आपको सिर्फ वही ऐसे फॉलो करना है, स्टैंडर्ड्स फॉलो करना है जो रेलेवेंट है, यानी एप्लीकेबल टू सरकमस्टेंसेस। तो इसीलिए यहाँ पे प्रोविजन क्या कहता है कि फेल्स टू इनवाइट अटेंशन टू एनी मटेरियल डिपार्चर फ्रॉम द जनरली एक्सेप्टेड प्रोसीजर्स ऑफ ऑडिट एप्लीकेबल टू सरकमस्टेंसेस। एंड देन क्लॉज 10, क्लॉज 10 बेसिकली बोलता है अगर तुम्हें क्लाइंट का पैसा मिला है तो फीस के लिए मिला है तो तुम्हारा पैसा है, जैसे रखना है रखो। फीस के अलावा क्लाइंट दो कारणों से पैसे तुमको दे सकता है, पहला कारण होगा टैक्स वैक्स भरने के लिए यानी उसके काम पूरे करने के लिए, और दूसरा कारण होगा कि आप कहीं ऑडिट पे बार बार जा रहे हो तो एज एन आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस का आपको कुछ एडवांस दे दिया गया। ये क्लॉज कहता है कि इफ यू फेल टू कीप क्लाइंट्स मनी अदर देन फीस और रेम्यूनरेशन विच इज मनी ऑफ द क्लाइंट, देन यू विल बी हेल्ड गिल्टी अनलेस इनफैक्ट इफ यू फेल टू कीप इट इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट। सिमिलरली इफ यू फेल टू कीप इन सेपरेट बैंक अकाउंट मनी विच इज मेंट टू बी स्पेंडेड इन अ शॉर्ट रीजनेबल स्पैन ऑफ टाइम, देन ऑल्सो यू विल बी हेल्ड गिल्टी। यानी क्लाइंट ने पैसा दिया फीस और रेम्यूनरेशन के लिए दिया, बहुत अच्छी बात है, जो करना है करो। इसके अलावा पैसा दो कारणों के लिए मिलेगा, एक तो उसके काम पूरे करने के लिए या आपके आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस का एडवांस। दोनों केस में आपको ये पैसा सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना होगा। अब इसी बात है, इंस्टीट्यूट कहता है कि अगर आपको उसको वेरी शॉर्टली स्पेंड करना है तो बात अलग है, अदरवाइज अगर आपको उसे रखना है अपने पास तो सेपरेट बैंक अकाउंट में रखो। सीए अपने ही नाम से एक दूसरा बैंक अकाउंट खोलेगा जिसमें सारे क्लाइंट के पैसे जमा करेगा, वो बैंक अकाउंट का 1 रुपया उसका नहीं है। अगर उस पे ब्याज आता है तो ब्याज भी उसको क्लाइंट को देना चाहिए, जो आपका बेसिक बेलमेंट का कॉन्सेप्ट होता है। हालांकि बेलमेंट डज नॉट अप्लाई ऑन मनी, बट देन स्टिल जस्ट टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग। और साथ ही साथ में दूसरी रिक्वायरमेंट है इस क्लॉज की कि आपको वो पैसे को रीजनेबल टाइम के अंतर्गत जिस पर्पस के लिए दिया था उसमें यूज करना है। तो टैक्स के लिए पैसा दिया तो ऐसा नहीं कि अपन ने बोला यार आज क्रिकेट में लगा देते हैं कल टैक्स भर देंगे, हो सकता है इससे अपना भी टैक्स भरा जाए, ये नहीं चलेगा। सिमिलरली शेयर मार्केट में लगा देते हैं, कुछ दिन बाद जमा कर देंगे, अपना टैक्स भर देते हैं, स्टाइपेंड पे कर देते हैं इफ एट ऑल अगर हमारी कभी इच्छा हो गई, ये सब नहीं चलेगा। क्लाइंट का पैसा क्लाइंट के पर्पस के लिए यूज होगा, आपने कहीं और गलती से भी यूज कर लिया, गिल्टी। सिमिलरली अगर आपको पैसा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस के लिए दिया है तो उसी में खर्च करना फर्जी बिल लगाए अगर तुमने कन्वेंस के और पैसा लिया तो इस क्लॉज में तुम्हें गिल्टी माना जाएगा। समझ गए?
खास सावधान हो जाओ आर्टिकल्स जो स्टाइपेंड से ज्यादा कन्वेंस पर कमाते हैं। चलिए, हमारा तो मुत्तल से प्याज जाता है। ये होता है आपका शेड्यूल टू पार्ट वन के 10 के 10 क्लॉजेस। दोस्तों, फेल्स टू कीप मनी ऑफ हिज क्लाइंट अदर देन फीस और रेम्यूनरेशन, और मनी विच इज मेंट टू बी एक्सपेंडेड इन अ सेपरेट बैंकिंग अकाउंट और टू यूज सच मनी फॉर द पर्पस विच दे आर इंटेंडेड विद इन द रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। चलिए, शेड्यूल टू पार्ट टू पे आते हैं। ये सारे मेंबर्स पे लगता है, ये भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। चार सिंपल क्लॉज है। पहला क्लॉज बोलता है कॉन्ट्रावीन्स एनी प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, गाइडलाइंस, रेगुलेशंस। एक्ट यानी सी एक्ट हो गया, गाइडलाइंस यानी काउंसिल जनरल गाइडलाइंस, या आपकी एडवर्टाइजमेंट की गाइडलाइंस या वेबसाइट की गाइडलाइंस, कोई भी गाइडलाइंस आपने फॉलो नहीं की। एंड रेगुलेशंस, रेगुलेशंस आप लोगों ने पढ़ी नहीं है। काउंसिल जनरल गाइडलाइन आप पढ़ोगे, वेबसाइट की गाइडलाइन हम पहले ही कभी रिवाइज कर चुके हैं, एडवर्टाइजमेंट की गाइडलाइन भी शेड्यूल वन में पहले ही रिवाइज कर चुके हैं। तो रेगुलेशंस पढ़ना है क्या? रेगुलेशंस बहुत सारी, कुछ क्रिटिकल रेगुलेशन आपको याद रखना है। ये बेसिकली आर्टिकल से रिलेटेड है, तुम्हारा इंटरेस्ट आएगा। सुनो ध्यान से, अगर तुमसे प्रीमियम लिया गया, प्रीमियम मतलब सीए ने आर्टिकल्स को बुलाया और बोला आर्टिकलशिप चाहिए हमारी फर्म में, सारे आर्टिकल्स ने बोला यस सर, सीए ने बोला बोली लगाओ, सारे आर्टिकल्स ने बोला व्हाट सर, सीए ने बोला जो ज्यादा बोली लगाएगा उसको आर्टिकलशिप दी जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ एक है अनार यहाँ कितने बीमार यहाँ, ये आर्टिकलशिप में किस किस को दू। यानी मुद्दे की बात यह है कि सीए बोलता है कि एप्लीकेशन बहुत सारी आर्टिकलशिप की, रखना कुछ ही है, तो प्रीमियम ले लिया बनने, जिसको चाहिए प्रीमियम लगाओ, ये नहीं चलेगा। सीए ने लोन ले लिया आर्टिकल से, हे भगवान ये दिन देखना पड़ेंगे। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को उसने बोला यार भाई पैसे नहीं है, बहुत किल्लत है, दिक्कत है, थोड़े से लोन दे दे 5,000 रुपए, 5 महीने में लौटा दूंगा। आर्टिकल को भी दया आ गई, उसने लोन दे दिया 5,000 का, सीए को गिल्टी हो जाएगा। सीए लोन नहीं लेना कभी आर्टिकल से, प्रीमियम नहीं लेना, चार्ज नहीं लेना। क्वेश्चन आया था एक बार, आर्टिकल के पापा जिस कंपनी में डायरेक्टर हैं उस कंपनी से हमने कंप्यूटर उधारी पे खरीदे या लोन लिया, क्या हमें गिल्टी माना जाएगा? बहुत दूर का रिश्ता हो गया भाई। जब तक नेक्सस प्रूव ना हो जाए कि वो लोन आर्टिकलशिप देने से रिलेटेड या आर्टिकल के ऊपर दबाव बनाने से रिलेटेड था, गिल्टी नहीं माने जाएंगे। क्योंकि आपने अगर आर्टिकल के फादर से लिया होता लोन, तो एक बार फिर भी हम यहाँ कवर लेते। फादर जिस कंपनी में डायरेक्टर है उस कंपनी से लिया हुआ लोन ऑब्वियसली यहाँ पे डायरेक्टली कवर नहीं होगा, फैक्ट्स ऑफ द केस का क्वेश्चन हो जाएगा। तो लोन नहीं लेना, स्टाइपेंड समय समय पर पे करना है, ठीक है? क्या होता है नियम? नियम कहता है कि एवरी मंथ यू शुड पे द स्टाइपेंड, वो भी बाय अकाउंट पे ही चेक। सर 3-3 महीने में सीए पे कर देता है? नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन आए ऐसे अलग अलग प्रकार के, 3 महीने में सीए पे करता है, 6-6 महीने में पे करता है, पे करके कैश ले लेता है। किसी भी प्रकार का ऐसा सवाल आए तो सीधे सीधे आप आंसर में लिख देना मिसकंडक्ट। कृपा करके भगवान के लिए कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल मत देना कि फॉर एग्जाम्पल अवर फर्म एक्स वाई जी एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इज डूइंग सच प्रैक्टिसेस देन दे विल बी हेल्ड गिल्टी अंडर शेड्यूल टू पार्ट टू क्लॉज वन। नो एग्जाम्पल्स लिख दो, मिसकंडक्ट है। कुछ क्षणों के लिए आपके दिल को तसल्ली मिल जाएगी अपने सीए को गिल्टी होल्ड करा के, रियल लाइफ में तो कहाँ तुम करोगे, क्योंकि अभी अपने को सीए बनना है और अपने को भी मालूम है सास भी कभी बहू थी। चलो आगे बढ़ेंगे दोस्तों, रेगुलेशन याद रखना। अब रेगुलेशन 47 है, प्रीमियम फ्रॉम आर्टिकल 1947 में हमें आजादी मिली थी उसी से याद रखता हूं मैं तो 47 प्रीमियम फ्रॉम आर्टिकल्स। अगला है 48 स्टाइपेंड टू आर्टिकल्स। टू मेन इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस अदर देन जनरल। शेड्यूल टू पार्ट टू क्लास टू, जो हमने कॉन्फिडेंशियलिटी का क्लास देखा था वो किसके ऊपर था? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। मैंने बोला सहेली ने मुझे कोई बात बताई और बोला किसी को मत बताना, और मैंने उसी की दूसरी सहेली को बता दी और मामला पूरा बिगड़ गया, मैं गिल्टी माना गया क्या वहां पे? नहीं, इट इज पर्सनल। ये प्रोफेशनल होता तो मैं गिल्टी माना जाता, पर्सनल है तो गिल्टी नहीं माना जाऊंगा। पर सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं तो सीए इन प्रैक्टिस नहीं हूँ, सीए इन सर्विस हूँ, और मैंने ऐसा किया कि मेरे एक एम्प्लॉय ने मुझे कुछ किया, एम्प्लॉयर की कोई जानकारी मुझे मिली और मैंने अपने घर पे किसी को उसको बता दिया, क्या मुझे गिल्टी माना जाएगा? यस। यानी इनडायरेक्टली सीए इन सर्विस पर भी कॉन्फिडेंशियलिटी का क्लॉज एज इट इज एप्लीकेबल है, और कहा गया है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन सर्विस जो भी किसी कंपनी फॉर्म एम्प्लॉई सॉरी पर्सन के यहाँ जॉब करता है, वहां पे कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के दौरान कोई इंफॉर्मेशन एक्वायर करता है जो बिना परमिशन ऑफ द एम्प्लॉयर के डिस्क्लोज करता है, अदर देन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ और हिज एम्प्लॉयर, ही विल बी हेल्ड गिल्टी। सेम क्लॉज। शेड्यूल टू पार्ट टू क्लॉज 3, सप्लाईज इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन टू आईसीए। दोस्तों
शेड्यूल वन में पार्ट थ्री में क्लॉज टू था डज नॉट सप्लाईज इंफॉर्मेशन, यहां है सप्लाईज इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन नोइंगली टू आईसीआई और एनी ऑफ इट्स बॉडीज। इसका मतलब इंस्टीट्यूट कहता है हमने तुमसे कुछ जानकारी मांगी और तुमने नहीं दी, शेड्यूल वन के पार्ट थ्री के क्लॉज टू में गिल्टी, माइल्ड मिसकंडक्ट, पर गलत दी शेड्यूल टू के पार्ट टू के क्लॉज थ्री में मिसकंडक्ट, सिवियर मिसकंडक्ट। यानी बुजुर्गों ने सही कहा है कई बार चुप रहना बेहतर है, हालांकि वो भी गलत तो है लेकिन कम गलत है ऐसा बोल सकते हैं। एनीवेज गलत जानकारी इंस्टीट्यूट को दोगे तो गिल्टी माने जाओगे, ध्यान रखना। MEF मल्टीपर्पज एम्पैनलमेंट फॉर्म जिससे बैंक ऑडिट्स वगैरह अलॉट होते हैं, कभी एग्जाम में क्वेश्चन आया उसमें इंफॉर्मेशन जान करके गलत दी सीए ने, तो ये मत सोचना कि यार अपन ने टेंडर में जानकारी गलत दी है। ध्यान रखना टेंडर में गलत जानकारी शेड्यूल वन पार्ट थ्री क्लॉज थ्री में आती है, आइडियली वो भी शेड्यूल टू में आना चाहिए क्योंकि आप क्लाइंट या प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट को जान करके गलत जानकारी दे रहे हो, पर अभी वो शेड्यूल वन पार्ट थ्री क्लॉज थ्री में आती है। तो टेंडर में गलत जानकारी जान करके दी तो शेड्यूल वन पार्ट थ्री क्लॉज थ्री में आएगी। ऐसे याद रख लो क्लॉज थ्री गलत जानकारी देने से रिलेटेड है। शेड्यूल वन पार्ट थ्री क्लॉज थ्री टेंडर एडवर्टाइजमेंट या प्रोफेशनल कोलीग से काम मांगते समय क्लॉज सिक्स और सेवन में जान करके गलत जानकारी, शेड्यूल टू के पार्ट टू के क्लॉज थ्री में बोला गया आईसीआई को जान करके गलत जानकारी देने पर आपको यहां गिल्टी माना जाएगा। क्लॉज फोर पर आएंगे दोस्तों, क्लॉज फोर आखिरी क्लॉज है, डिफॉल्केट्स और एम्बेजल्स मनी रिसीव्ड इन प्रोफेशनल कैपेसिटी। सीए कहीं जॉब कर रहा है, कैशियर का जॉब करता है वहां पे, और पैसे जितने आते हैं कैश में उन सब में 1% अपना खुद का टैक्स काटता है। सीडीएस कैशियर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, कुछ तो भी सर। तो इस तरह की घुसखोरी करता है, पैसे का गबन करता है, हेराफेरी करता है, कंपनी की किसी काउंसिल का मेंबर है वहां से चोरी करता है, पैसे वहां से चुराता है, ये सब यहां पर कवर होगा प्रोफेशनल कैपेसिटी में। ध्यान रखना अगर आपकी वाइफ चार्टर्ड अकाउंटेंट है और वो पैसे का गबन कर रही है, इंस्टीट्यूट बोलता है ये तो पर्सनल कैपेसिटी में चलेगा, इनफैक्ट ये तो मिसकंडक्ट नहीं है, क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना कई बार प्रैक्टिस इज फॉलोड समटाइम्स टेक द फॉर्म ऑफ अ लॉ। छोड़ो यार मैं भी कहां ले जा रहा हूं, अभी एकदम एग्जाम सर पे सर, और आप है ना, क्विक रिवीजन है ये, सुपर क्विक रिवीजन। चलिए वेरी गुड, शेड्यूल टू पार्ट थ्री पर आ जाए दोस्तों, आखिरी पार्ट ऑल मेंबर्स पे लगेगा, शेड्यूल थ्री पार्ट थ्री ऑल मेंबर्स, अदर मिसकंडक्ट एक ही क्लॉज है इसलिए इस क्लॉज का कोई नंबर नहीं है। और ये क्लॉज क्या कहता है कि अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई भी ऐसी हरकत करता है जिसके लिए उसको सिविल या क्रिमिनल कोर्ट पनिश करता है, और पनिशमेंट जो आपको दी गई है वो एक एफए ऑफेंस से रिलेटेड है जिसमें 6 महीने से अधिक की सजा हो सकती है, तो आपको इस क्लॉज में गिल्टी माना जाएगा। समझ लो ये थोड़ा सा क्लॉज क्या बोलता है, मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट शैल बी हेल्ड गिल्टी ऑफ अदर मिसकंडक्ट इफ ही इज हेल्ड गिल्टी बाय एनी सिविल और क्रिमिनल कोर्ट फॉर एन ऑफेंस विच इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 6 months। सबसे पहली चीज तो समझ लो दोस्तों, ऑफेंस अगर होगा तो प्रोसिक्यूशन होना चाहिए, क्रिमिनल होना चाहिए, लेकिन कई सारे ऑफेंस सिविल कोर्ट भी ट्राई कर लेते हैं। सिविल कोर्ट इम्प्रिजनमेंट की सजा आमतौर पे नहीं देता, क्रिमिनल कोर्ट ही देता है। ये क्लॉज ये नहीं बोल रहा है कि आपको सजा सुनाई गई है, ये बोल रहा है कि सिविल या क्रिमिनल जिस भी कोर्ट ने आपका ऑफेंस के अगेंस्ट में आपका केस ट्राई किया और आपको दोषी कन्विक्ट दोषी करार दिया, तो उस पर्टिकुलर केस में इंस्टीट्यूट आपको अदर मिसकंडक्ट के लिए गिल्टी मान लेगा। अगर उस ऑफेंस में इंप्रिजनमेंट की सजा 6 महीने तक की थी तो शेड्यूल वन पार्ट फोर के क्लॉज वन में, लेकिन अगर उसमें सजा 6 महीने से ज्यादा की है तो शेड्यूल टू के पार्ट थ्री के इस क्लॉज में। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपको 6 महीने से ज्यादा की सजा सुनाई गई है, जरूरी है कि आप जिस ऑफेंस में दोषी पाए गए हो उस ऑफेंस में पनिशमेंट 6 मंथ से ज्यादा की हो सकती है, यानी उस ऑफेंस में पनिशमेंट का पीरियड इज मोर देन 6 मंथ्स, आपको कितनी दी है दैट इज सेकेंडरी। चलिए तो दिस इज बेसिकली, और क्या खत्म हो गया हमारा शेड्यूल टू पार्ट वन टू एंड थ्री, सब रिवाइज करेंगे। उससे पहले दोस्तों मैं फटाफट आपको काउंसिल जनरल गाइडलाइंस बता देता हूं। काउंसिल जनरल गाइडलाइंस में जैसे क्लॉजेस पढ़ते हैं शेड्यूल्स में, वैसे ही यहां पे होते हैं चैप्टर्स।
बहुत सारे चैप्टर्स या तो विड्रॉ हो गए या रिडंडेंट हो गए, कुछ कुछ जो बाकी है वो पढ़ेंगे। चैप्टर वन तो उसका नाम है, चैप्टर टू में बात किया गया है कि सीए इन सर्विस पर भी क्लॉज सेवन लगेगा। कौन सा क्लॉज सेवन? शेड्यूल टू पार्ट वन का। ये क्या था? ग्रॉस नेग्लिजेंस नॉट एक्सरसाइजिंग ड्यू डिलिजेंस। मतलब एक सीए इन सर्विस यानी जॉब में जो सीए अगर वो नेग्लिजेंटली काम करता है, देन इन दैट पर्टिकुलर केस उसे गिल्टी होल्ड किया जाएगा अंडर चैप्टर टू ऑफ काउंसिल जनरल गाइडलाइन। चैप्टर थ्री कॉस्ट ऑडिट से रिलेटेड था, काम का नहीं है आपके लिए। चैप्टर फोर सब्सटैंशियल इंटरेस्ट के ऊपर है। याद रखने का सिंपल तरीका, शेड्यूल टू पार्ट वन का क्लॉज फोर सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, तो चैप्टर फोर भी सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। ये बोलता है सब्सटैंशियल इंटरेस्ट में रिलेटिव की परिभाषा एज पर एएस 18 ली जाएगी, पहले ही पढ़ लिया। चैप्टर फाइव, फाइव यानी बी ओ ओ के एस, बुक्स, बुक्स फाइव, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। चैप्टर फाइव बुक्स ऑफ अकाउंट, याद करने का सिंपल तरीका बुक्स फाइव। सर इससे वाहियात तरीका हमने आज तक नहीं देखा। ये तरीका बनने एक्चुअल में तो दूसरा तरीका यूज करता था, और क्लास में एक दिन ये स्टूडेंट ने ये फंडा दिया और कायल हो गया मैं उस स्टूडेंट का। क्या फंडा है? बुक्स में पांच अल्फाबेट आते हैं तो सर चैप्टर फाइव बुक्स ऑफ अकाउंट्स, प्रभु शत शत नमन। आज तक नहीं भूल पा रहे हमारे स्टूडेंट इस फंडे को। फाइव बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सीए को बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखना है, कैश बुक और लेजर, चाहे जो हो जाए, कितनी भी इनकम हो, ये दो रिकॉर्ड्स तो बनाना ही है, भले इनकम टैक्स के अंदर वो कवर हो या ना। चैप्टर सिक्स बहुत ही सिंपल है, सेक्शन 44AB के आपके पास 60 टैक्स ऑडिट असाइनमेंट की लिमिट है इन एनी असेसमेंट ईयर। ध्यान रखना, एक असेसमेंट ईयर के 60 टैक्स ऑडिट असाइनमेंट कर सकते हो, ऐसा नहीं है एक समय पर 60, ये ऐसा है कि एक असेसमेंट ईयर के 60 टैक्स ऑडिट आप कर सकते हो। 44AB के टैक्स ऑडिट काउंट होंगे, 44AD या दूसरे सेक्शन के टैक्स ऑडिट ऑडिट कराए गए काउंट नहीं होंगे। इनकम टैक्स एक्ट में चैरिटेबल ट्रस्ट का ऑडिट किया, TIAIB के ऑडिट्स कराए, 35D प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का ऑडिट कराए, ये सब काउंट नहीं होंगे, सिर्फ 44AB के ऑडिट। पर सीएन प्रैक्टिस ये लिमिट है, एक सीएन प्रैक्टिस एक से ज्यादा जगह पार्टनर है तो मिला के 60 की लिमिट है। ध्यान रखना, लिमिट ऑडिट एक्सेप्ट करने की है, साइन करने की नहीं है। मेरी फर्म में 10 सीए हैं, 10 के 10 सीएन प्रैक्टिस हैं, और कहीं प्रैक्टिस नहीं कर रहे, सबकी 60 की लिमिट है, 10 की 600 हो गई। उनमें से एक ही व्यक्ति अगर 600 के 600 साइन करना चाहे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट तो कर सकता है। हालांकि इंस्टीट्यूट रेकमेंड करता है कि जो ऑडिट कर रहा है वही साइन करे, बट मैंडेटरी नहीं है। सिक्स के बाद सेवन, सेवन एस फॉर, सेवन एस फॉर सिक। सिक यूनिट के ऊपर शेड्यूल वन के पार्ट वन के क्लॉज 8 में एनओसी में आपने पढ़ा था, प्रीवियस ऑडिटर की अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस अनपेड है तो फिर आप ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करोगे। लेकिन अगर प्रीवियस ऑडिटर की अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस अनपेड है एक सिक कंपनी में, तो आप ऑडिट एक्सेप्ट कर सकते हो। ऐसा कहां कहा गया है? चैप्टर 7 में। और सिक कंपनी की परिभाषा दी गई है, कंपनी जिसकी लाइबिलिटीज उसकी असेट से ज्यादा है, भले ही फिर वो एज अ सिक एंटिटी कहीं रजिस्टर्ड है या नहीं है। चैप्टर 8 पर आ जाइए, कंपनी ऑडिट की लिमिट। कंपनीज एक्ट में आप 20 कंपनी की ऑडिट कर सकते हो, जिसमें वन पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, प्राइवेट कंपनी, 100 करोड़ कप पे पेड अप शेयर कैपिटल की काउंट नहीं होती है। यहां पे आईसीआई की लिमिट है कि आप सारी कंपनी इसको काउंट करके 30 से ज्यादा ऑडिट नहीं करोगे। इसमें वन पर्सन भी आ गई, गवर्नमेंट कंपनी भी आ गई, आपकी पेड अप प्राइवेट कंपनीज भी आ गई, पब्लिक लिस्टेड अनलिस्टेड सब आ गई। मैक्सिमम 30 कंपनी की आप ऑडिट कर सकते हो। याद रखने का तरीका, 8 को अगर आप बीच से काट दोगे तो 2-3 निकल के आएंगे, 3-3, 3-4, 30। सिंपल, क्या क्रिएटिविटी है सर, कायल हो गए हम आपके, क्या क्रिएटिविटी। 8 को आधा करो तो 3 निकल के आएगा, 3 यानी 30। सर आगे बढ़ जाओ, अब नहीं सुन पाएंगे हम, क्षमा करें। क्लॉज 9 पर आ जाइए दोस्तों, अब रेलेवेंस नहीं बचा है क्लॉज 9 का सच बहुत ज्यादा। हाँ, इससे पहले एक चीज और, क्लॉज 6 और 8 में आपको एक रजिस्टर भी मेंटेन करना है, जो भी असाइनमेंट्स आपने एक्सेप्ट किए हैं। इस रजिस्टर में पहले फॉर्म 23B लिखते थे, अब उसके बजाय ADT 1 आएगा, तो वो फॉर्मेट में चेंज हो गया है, लॉ में चेंज हुआ है, इसलिए यहाँ पे भी चेंज की जरूरत है। आपको कंपनी का सिन कब एक्सेप्ट किया, किस पर्टिकुलर ईयर का एक्सेप्ट किया है, और ये रिपोर्ट आज सच आपने इनफैक्ट ADT 1 आपने कब फाइल किया, ये सब इन्फॉर्मेशन रखना है। टैक्स ऑडिट में आपने किस कंपनी का ऑडिट एक्सेप्ट किया, असेसमेंट ईयर क्या है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस आपकी क्या है, ऑल दोज डिटेल्स इज समथिंग विच यू विल हैव टू अपडेट। क्लॉज 10 पर आ जाइए, 10-10 हज़ार बहुत आसान है। किसी भी एंटिटी में अगर आप वहां का ऑडिट कर रहे हैं, यानी कि आप
अटेस्टेशन सर्विसेज दे रहे हैं, यानी कि किसी प्रकार का ओपिनियन दे रहे हैं, यानी ऑडिटर का काम कर रहे हैं। अगर आप किसी एंटिटी के ऑडिटर का कार्य कर रहे हैं और उस ऑडिट के काम में जिस लॉ में आप ऑडिट कर रहे हो वहां पे कोई इंडेटनेस की लिमिट नहीं दी गई है, तो आईसीआई ने 10,000 से ज्यादा की इंडेटनेस रखने पे आपको दोषी करार दिया है, आपको दोषी करार किया है। यानी जैसे कंपनीज एक्ट में देर इज अ सेपरेट लिमिट जो कहती है कि अगर एक कंपनी का आपने ऑडिट किया जिसमें आपकी, आपके रिलेटिव्स की, आपके पार्टनर की, उस कंपनी प्लस प्लस जो हम डिस्कस करते हैं, कंपनी प्लस प्लस यानी कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी फेलो सब्सिडरी जेवी एसोसिएट, अगर उन सब में मिला जुला के अगर आपकी 5 लाख से ज्यादा की इंडेबटनेस हो गई तो आप डिस्क्वालिफाई हो जाते हो। तो कंपनीज एक्ट में क्योंकि लिमिट दी है इंडेबटनेस की, तो वो लिमिट लगाना, यही लिमिट इनकम टैक्स ने भी बोरो की है तो वहां वो लिमिट लगाना। पर इसके अलावा आप किसी स्टॉक ब्रोकर का ऑडिट कर रहे हो और वहां पे कोई लिमिट नहीं दी गई है, तो फिर आईसीआई की ये लिमिट लगेगी जो कहती है 10,000 से ज्यादा की इंडेबटनेस पे आपको डिस्क्वालिफाई कर दिया जाएगा। ये सिर्फ ऑडिटर के लिए पढ़ रहे हैं, अदर असाइनमेंट पर नहीं लगेगा। 10,000 से ज्यादा होने पर डिस्क्वालिफाई माना जाएगा। इंडेबटनेस का मतलब क्या होता है? उधारी पे माल खरीदा, सर्विस ली, लोन लिया, या ऑडिट फीस एडवांस में ले ली, सब उधारी मानी जाएगी। ऑडिट फीस एडवांस में लेने में दिक्कत नहीं है, पर उसे इंडेबटनेस तो काउंट करेंगे, यानी लिमिट से ज्यादा हो गई तो यू विल बी इंडेबटेड। तो बेहतर है आप ऑडिट प्रोग्रेसिव फीस लो, जितना काम हो उतनी फीस, वो इंडेबटनेस नहीं है। प्रोग्रेसिव फीस इज नॉट इंडेबटनेस। आपने कोई गुड्स खरीदे अपने क्लाइंट के यहाँ से और उधार कर लिया 11,000 रुपए का, वो नॉर्मली सबको उधार देता है 2-2 महीने का, आपको भी दिया, तो भी आप इंडेटेड माने जाओगे। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, कमिटी ऑन एथिकल स्टैंडर्ड्स ने स्पेसिफिकली कहा है कि क्रेडिट कार्ड के केस में, स्पेसिफिकली क्रेडिट कार्ड के केस में इंडेटनेस तभी काउंट होगी जब नॉर्मल क्रेडिट पीरियड एक्सपायर हो गया है। यानी आपने कोई क्रेडिट कार्ड से गुड्स खरीदे 12,000 के, तो आपकी क्रेडिट कार्ड कंपनी के प्रति इंडेबटनेस कब मानी जाएगी? तो अगर आपको 30 दिन का समय दिया जाता है पेमेंट करने के लिए, नॉर्मल क्रेडिट पीरियड है, तो 30 दिन बाद आपकी इंडेबटनेस काउंट होगी। लेकिन आपने कहीं से उधारी में माल खरीदा और वो 30 दिन का समय आपको देता है, तो आपकी इंडेबटनेस उसी दिन काउंट हो जाएगी जिस दिन आपने माल खरीदा है। यहाँ पे ओवरड्यू नहीं लिखा है, इनडेटेड लिखा है। क्रेडिट कार्ड के लिए स्पेसिफिकली वेवर दिया है कमिटी ऑन एथिकल स्टैंडर्ड्स। चैप्टर 11 बेसिकली बात करता है कि अनजस्टिफाइड रिमूवल हुआ है प्रीवियस ऑडिटर का तो आप ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करोगे, और चैप्टर 12 डिलीट हो गया। ये काउंसिल जनरल गाइडलाइंस 12 चैप्टर्स थे। क्विकली एक बार रिकैप करा देता हूं मैं आपको, 12 चैप्टर्स प्लस शेड्यूल 2 के सारे क्लॉजेस का। चलो, शेड्यूल 2 क्लॉज 1 कॉन्फिडेंशियलिटी, ध्यान रखना उठाना शुरू कैसे करना है। डिस्क्लोजेस एनी इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज प्रोफेशनल एंगेजमेंट to any person other than his client, disclose की confidential, sorry, any information जो हमने professional engagement के दौरान acquire की थी किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो client नहीं है, unless the client has permitted or it is a requirement of a law. So unless required by a law or with prior permission of the client, ये दो exception है जहां पे आप information disclose कर सकते हो। Clause 2 टू कैसे शुरू हुआ था मैंने बताया था, सर्टिफाइज और सबमिट्स इन हिज नेम और नेम ऑफ हिज फर्म एनी रिपोर्ट ऑन एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनलेस सच एग्जामिनेशन हैज बीन कंडक्टेड, अनलेस एग्जामिनेशन ऑफ सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिलेटेड रिकॉर्ड्स, क्योंकि वो भी एग्जामिन करना है, हैज बीन कंडक्टेड बाय सीए हिमसेल्फ और हिज एम्प्लॉइज और हिज पार्टनर और अनदर सीए इन प्रैक्टिस। थ्री में वापस से हमने क्या बोला था, वहां सर्टिफाइज और सबमिट्स था, तो यहां पे क्या था, परमिट्स। परमिट्स इज नेम और नेम ऑफ हिज फर्म टू बी यूज्ड इन कनेक्शन विद एन एस्टिमेट ऑफ अर्निंग एस्टिमेट ऑफ अर्निंग्स कंटिंजेंट ऑन फ्यूचर ट्रांजैक्शंस इन अ मैनर सच दैट इट लीड्स टू द फैक्ट दैट ही इज वाउचिंग फॉर द एक्यूरेसी ऑफ सच फोरकास्ट। So in a manner that leads to believe that he is vouching for accuracy of such forecast. शुरू कैसे हुआ देखना, permits his name or name of his firm, clause 3. Clause 4 हमारा बहुत ही important clause है, simple opinion दोगे तो ये clause लगेगा, hence expresses opinion on financial statements of any business or establishment, organization.
वेर ही और हिज पार्टनर और हिज फर्म हैज सब्सटैंशियल इंटरेस्ट. क्लॉज 5, 6, 8, 9, 10 फेल्स फेल्स टू डिस्क्लोज अ मटीरियल फैक्ट नोन टू हिम not disclosed in the financial statement but disclosure of which is necessary to make the financial statement not misleading with which he is concerned in professional capacity. 6 fails to report a material misstatement known to him to exist in financial statement with which he is concerned in professional capacity. Then clause 7 par aaiye. Is grossly negligent or does not exercise his due diligence in conduct of his professional duties, all professional duties. 8. Wapas fail. Fails to obtain sufficient information. Fails to obtain sufficient information. For what? For the purpose of, मैंने बताया था, opinion वाला clause है, opinion से related matters यहाँ पे आएंगे. तो क्या कहता है? Fails to obtain sufficient information which is necessary for expression of an opinion or his exceptions are sufficiently material to negate the expression of opinion. दो part. Then आ जाएंगे आप clause 9 के ऊपर. Clause 9 वापस से fails पर है. Fails to invite attention of any departures from generally accepted auditing procedures relevant to the audit. And Akri fails to keep money of his client other than fees or remuneration or money meant to be spended in a separate bank account or fails to use the money for its intended purpose. Schedule 2, Part 2, who all member professional misconduct, pehla clause, contravenes any provisions of the Act, guidelines or regulations. Then, dusra clause, being an employee, confidentiality wala pura clause. Tisra includes in any information false particulars, knowing them to be false, submitted to any of the bodies of the institute. And clause 4, defalcates or embezzles money received in professional capacity. And schedule 2, part 3 ka ekmatra clause, a member of the institute has been held guilty for an offense, has been convicted by a civil or a criminal court for an offense punishable with imprisonment for more than 6 months. Chaliye, Council General Guideline, simply yaad kara deta hu aapko. Chapter 2 humko yaad rakhna hoga. Employee agar gross negligence, due diligence exercise nahi karega to chapter 2. 1 to naam tha, ye chapter 2. 3 apne ko padhna nahi, cost audit irrelevant. Chapter 4 par hum aagaye. 4 se substantial interest ka clause following kiya tha. Substantial interest ka matlab kya hota hai? 20% ya usse zyada relative ka matlab as per ASAT. 5 books, books ke 5 alphabet, books of account mein cash book aur ledger rakhna hai. 6, 6 for 60, 44 AB ki ek assessment year ki 60 ki tax audit ki limit hai. S for 7, S for sick company. Chapter 7 कहता है कि sick company के case में undisputed audit fees unpaid रही तो भी आप audit accept कर सकते हो. 8 आधा काटोगे तो 3 आएगा, 30, 30 यानी company audit की आपके पास 30 audit की limit होगी. At any point of time देखना होगा, सारी company इसमें count होगी, कोई exceptions नहीं होंगे. That was it. Then 9 as such relevant नहीं है, अब उसका हमारा समय नहीं बचा उनका relevance का. क्यों? क्योंकि अब उसके against में 144 section आ चुका है जो उससे ज़्यादा severe है. 10,000 से ज़्यादा की indebtedness है unless law में कोई all limit prescribe कर रखी है. 11 number unjustified removal हुआ है previous auditor का, तो audit accept मत करना, 11 number की गाड़ी से चले जाना. 12 वापस delete हो चुका है, minimum fees की अब कोई requirement नहीं है, यानी auditor कम से कम fees पे भी audit accept कर सकता है. इसी के साथ दोस्तों आपका काउंसिल जनरल गाइडलाइंस का भी डिस्कशन का रिकैप खत्म होता है. ये जो आखिरी में मैंने रिकैप कराया है, आप चाहो तो इसको डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हो. जब आपके पास फुर्सत के लम्हेशन हो, फटाफट इसको आप क्या करिएगा, सुनते जाइएगा. सुनते सुनते आपको ध्यान आएगा कि इन क्लॉजेस को बोलते समय मैं किन चीजों को एम्फेसाइज कर रहा हूँ. वो चीजों को आपको ध्यान रखना है और उसे आपको यूज करना है. ऐसा सुनते सुनते बार बार ये क्लॉजेस याद हो जाएंगे. एग्जाम से एक दिन पहले भी कभी आपको आवाज अगर कभी बहुत ज्यादा बुरी नहीं लगती हो, आप देख सकते हो सारे क्लॉजेस मेमोराइज हो जाएंगे.
चलिए, लॉजिकली समझाया मैंने, थोड़ी बहुत टेक्निक्स मैंने चैप्टर से काउंसिल जनरल गाइडलाइंस के चैप्टर्स याद रखने के दिए, उसमें भी कोई सीरीज नहीं है। ऐसी टेक्निक है कि पर्टिकुलर वो क्लॉज आपको एकदम याद आएगा कि हाँ, हमसे अगर कोई भी क्लॉज पूछा है स्पेसिफिकली, इससे कम नहीं है, एस फॉर सिक्स एस फॉर सेवन, सेवन नंबर का चैप्टर लगेगा। 30 की लिमिट हाँ याद आ रहा है, 8 को कटवाया था सर ने, 30 30, 6 60 की लिमिट, एकदम बुक्स 5, ऐसे याद आएंगे आपको। चलिए, इंस्टीट्यूट ने दोस्तों कुछ चीज़ें निकाली थी जो आप बोल सकते हो अमेंडमेंट है, अपडेट है आपके लिए, इस पर्टिकुलर अटेम्प्ट के लिए क्विकली कवर करूंगा। कुछ उन्होंने जीएसटी के एफएक्यूज निकाले थे, क्या एक सीए जीएसटी प्रैक्टिशनर बन सकता है? हाँ बिल्कुल बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या जीएसटी की ट्रेनिंग दे सकता है? हाँ ट्रेनिंग भी दे सकता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है बस उसी पर फोकस कर रहा हूँ मैं। अब इंस्टीट्यूट ने कहा है कि अगर आपने जीएसटी की ट्रेनिंग दी है तो उसके अगर टेस्टिमोनियल्स आप लेके साइट पे दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। टेस्टिमोनियल मतलब ट्रेनिंग देते हैं तो सामने वाले का फीडबैक लेते हैं, जैसे कि यूट्यूब में आप नीचे फीडबैक के कमेंट्स में बहुत बढ़िया बढ़िया फीडबैक देते हैं, और वही इंस्पिरेशन है हमारे इन सारे वीडियोस को आपके साथ शेयर करते रहने का। इट इज एक्चुअली सच अ ट्रीट टू द हार्ट टू सी योर लवली ब्यूटिफुल कमेंट्स एंड विच इज़ वेरी वेरी ऑ इंस्पायरिंग फॉर अस। वाकई हतो हमारे दिल प्रफुल्लित हो जाता है इस तरह के कमेंट्स को पढ़ के। तो आई रियली थैंक यू फॉर ऑल दोज कमेंट्स, टेकिंग आउट टाइम फॉर राइटिंग दोज कमेंट, दे रियली मैटर टू अस सो मच। इस तरह के टेस्टिमोनियल्स अगर मैं ट्रेनिंग जीएसटी की देता हूँ और वो टेस्टिमोनियल्स क्लाइंट से लेता हूँ तो क्या वो लेके छपाए जा सकते हैं? ये कहा गया है कि आप उसमें ले सकते हैं, सीए का नाम देके अपनी साइट पे दिखा सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया वगैरह पे इसका प्रमोशन करना परमिटेड नहीं है। आई थिंक दिस इज वन गुड इंपॉर्टेंट कंटेंट विच यू शुड रिमेम्बर। जीएसटी कंसल्टेंट नाम का कभी अपने नाम के साथ कभी भी भूल के भी आप क्या करोगे? डेजिग्नेशन यूज नहीं करोगे। जीएसटी के मेलर्स ऐसे बेइंतहा बांटना मत, क्लाइंट और आपके जो करीबी लोग हैं उनको दे सकते हैं। दूसरों को जीएसटी की अपडेट देना है तो दे सकते हैं, पर उसमें फिर फॉर्म का नाम नहीं लिखना, सिर्फ एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे बुक्स और आर्टिकल्स में हम पब्लिश करते हैं वैसे आप पब्लिश कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस है, बाकी सब अपने आप में सेल्फ यू कैन से यू नो दे आर कॉमन सेंस बेस्ड, जो इंपॉर्टेंट है मैं उसी को ले रहा हूँ जस्ट टू सेव टाइम एट द लास्ट मोमेंट। अपेंडिक्स फोर, ये एक्चुअली हमारी बुक का अपेंडिक्स फोर है, आपको उससे मतलब नहीं है। एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन ध्यान से सुन लेना, एक एक चीज को अच्छे से। पहला, क्या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इक्विटी रिसर्च कर सकता है, एडवाइस दे सकता है? एडवाइस दे सकते हो, कंसल्टेंसी है, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी अलाउड है, रिसर्च पेपर पब्लिश करना अलाउड नहीं है। इक्विटी रिसर्च करने वाले लोग किसी कंपनी पे शोध करके उसके ऊपर एक रिसर्च पेपर बनाते हैं और वो अपनी रिसर्च को फिर बेचते, किसे बेचते? इन्वेस्टर्स, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स, जो उस रिपोर्ट के आधार पर डिसाइड करते हैं कि इन्हें इन्वेस्टमेंट अपने आगे कंटिन्यू करना है या नहीं। जैसे एलआईसी कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले हो सकता है कि उस कंपनी के ऊपर इक्विटी रिसर्च फर्म द्वारा की गई रिसर्च की कोई रिपोर्ट परचेज करे। रिसर्च रिपोर्ट बना के बेचना सीए को अलाउड नहीं है। ट्रस्ट के मेंबर हो तो ट्रस्ट को ऑडिट मत करना, मैंने पहले ही बोल दिया आपको। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट में आप अपने आप को एज अ रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी फॉर डिजिटल सिग्नेचर्स अपॉइंट कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड का मैंने आपको बता दिया, 10,000 की जो लिमिट है वो काउंट कब से करोगे? नॉर्मल क्रेडिट पीरियड एक्सपायर होने के बाद से। ये आर्बिट्रेटर में मीडिएटर ऑफ द कोर्ट भी आता है, नथिंग मच। बैंक से मैंने लोन लिया 10,000 से ऊपर का, क्या इंडेबटनेस काउंट होगी? हाँ, पर मैंने लोन कैसे लिया? एफडी को गिरवी रख के उसके अगेंस्ट में लोन लिया, क्या ये भी इंडेबटनेस काउंट होगा? हाँ, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपकी एफडी से कम आपका लोन है, पर लोन अपने आप में इंडेबटनेस काउंट होगी। चलिए, फाइनेंशियल एडवाइजर कभी भी भूल के भी म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस कंपनी के मत बनना, क्योंकि वो लोग फाइनेंशियल एडवाइजर को कमीशन देते हैं, बोलने के लिए वो एडवाइजर है, एक्चुअल में वो लोग ब्रोकर होते हैं। ब्रोकर आप नहीं बन सकते हो, कंसल्टेंसी दे सकते हो बट नॉट ब्रोकिंग। क्लॉज 8 सुपर इंपॉर्टेंट क्लॉज, लीन का पूरा कॉन्सेप्ट अब खत्म किया जा चुका है। एक मिनट लूंगा मैं। आपने इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ा हो, सुना हो कभी, सीए बेचारे को क्लाइंट ने उसकी फीस नहीं दी, क्या वो ऐसा बोल सकता है मैं रिपोर्ट नहीं दूंगा जब तक मुझे फीस नहीं मिलेगी? नहीं। इफ यू डोंट गेट योर राइट्स, इट डज नॉट बिकम्स एन एक्सक्यूज फॉर नॉट परफॉर्मिंग योर ड्यूटीज। अधिकारों से वंचित रह जाने से, कर्तव्यों का निर्वहन करने से आप बच नहीं सकते। आदर्श चार्टर्ड अकाउंटेंट नागरिक वो है जो अपने कर्तव्य पूरे करे और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़े। अगर आपको आपके अधिकार फीस नहीं मिल रही है तो लड़ाई कैसे लड़े? तो हमने बोला क्लाइंट की हमारे पास कुछ बुक से आर्टिकल लेकर आ गया था, उसको दबा लेते हैं, देंगे ही नहीं, अपने आप पैसे देगा, ऐसा करना अलाउड नहीं है।
सर यही तो ऑडिटर्स लीन होता था, जनरल लीन, बॉस इंस्टीट्यूट ने, कोड ऑफ एथिक्स ने, सॉरी कमिटी ऑन एथिकल स्टैंडर्ड ने मना कर दिया। टेक्निकल प्रॉब्लम थी। कंपनीज एक्ट में साफ लिखा हुआ है, बुक्स ऑफ अकाउंट शुड बी केप्ट एट रजिस्टर्ड ऑफिस एंड शुड नॉट बी मूव्ड अनलेस अ प्रायर नोटिस बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आफ्टर पासिंग अ रेजोल्यूशन हैज बीन गिवन टू आरओसी इन एओसी 5 फॉर्म। तो कैसे ऑडिटर कंपनी की बुक्स उठा के चेकिंग के लिए लेके आ सकता है? ये तो टेक्निकली गलत है। इसका मतलब लीन का राइट आप टेक्निकली कंपनी में तो एक्सरसाइज ही नहीं कर सकते। सेकेंड, लीन का राइट हमें क्यों चाहिए? हमारे पास तो ऐसे ही इंस्टीट्यूट ने राइट दे रखा है कि जब अगला ऑडिटर अपॉइंट होगा तो शेड्यूल 1 के पार्ट 1 के क्लॉज 8 में वो प्रीवियस ऑडिटर से एनओसी लेगा, और मेरी अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस अगर पे नहीं हुई है तो वो ऑडिट एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा। ऐसे ही मेरा राइट एक्सरसाइज हो जाएगा क्योंकि मेरे क्लाइंट का ऑडिट ही नहीं होगा जब तक मेरी अनडिस्प्यूटेड फीस पे ना हो। इसलिए लीन का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया विथ रीजनिंग आई हैव एक्सप्लेन यू। अरे फर्म कभी भूल के भी अपने विजिटिंग कार्ड पे विजन मिशन मत छाप देना। आपने पढ़ा होगा कई सारी कंपनी ऐसे विजन मिशन स्टेटमेंट देती है, तो यू शुड नॉट गिव एनी काइंड ऑफ सच विजन मिशन स्टेटमेंट। दिस इज ओनली नथिंग बट अ काइंड ऑफ पब्लिसिटी। ठीक है, भले आईसीआई करे वो चलेगा, है सीए इन प्रैक्टिस नहीं कर सकता। टिन एनएसडीएल इन सब की क्या आप एजेंसी लेके इनके आप एजेंट बन सकते हो? भूल के भी मत करना। वाइफ सीए नहीं है तो उसके नाम पे कर लेना, है ना, ऐसे ही करते हैं। अरे सर क्या सजेशन है, बहुत बढ़िया। एनीवेज, सीएन प्रैक्टिस एजेंसीज नहीं ले सकता। ये जो फैसिलिटेशन सेंटर होते हैं ना, टिन फैसिलिटेशन सेंटर, टीडीएस रिटर्न फाइलिंग सेंटर, ये सब नहीं करना है ना। चलिए, ट्रस्ट का सेटलमेंट आप कर सकते हो, आर्बिट्रेटर, एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर, वो सब आपको अलाउड है। कस्टम ब्रोकर लाइसेंस होल्ड नहीं करना। यू के नॉट बी ए जो बोलते थे पहले कस्टम हाउस एजेंट जो गुड्स क्लियर कराता है, ऑब्वियसली बात है वो सेपरेट बिजनेस है, परमिटेड नहीं है, आप नहीं कर पाओगे, है ना। टैक्स रिप्रेजेंटेशन आप कर सकते हैं। अगर आप सीएन सर्विस हैं तो एम्प्लॉयर के बिहाफ पे करोगे तो वो अंडर एम्प्लॉयमेंट माना जाएगा, पर अगर आप अपने दूसरे एम्प्लॉयज के टैक्स रिप्रेजेंटेशन करने गए तो ये तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में सर्विस जैसे देना हो गया, क्योंकि आप एम्प्लॉयर के बिहाफ पे नहीं पर्सनल कैपेसिटी में दे रहे हो। उस कारण से फिर आप एक सीएन सर्विस के साथ साथ डीम टू बी इन प्रैक्टिस माने जाओगे, क्योंकि सेक्शन 2 क्लॉज 2 में कहा गया है स्पेसिफिकली कि इफ यू एक्ट एज अ टैक्स रिप्रेजेंटेटिव कंसल्टेंट यू विल बी डीम टू बी इन प्रैक्टिस अंडर मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसलिए टैक्स रिप्रेजेंटेशन का काम आप सिर्फ किसके लिए करना? एम्प्लॉयर के लिए। किसके लिए मत करना? अपने साथी एम्प्लॉयज के लिए, क्योंकि वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में हो जाएगा। यू विल बी हेल्ड गिल्टी इफ यू टेक एनी रेम्यूनरेशन फॉर दैट। स्टॉक ऑडिट एक्सेप्ट मत करना अगर किसी बैंक का स्टॉक ऑडिट कर रहे हो, क्योंकि इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट का आपका फंड आ जाएगा। सिमिलरली, अगर आपको पीएफ ट्रस्ट का गवर्नमेंट कंपनी ने इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट किया है तो उसका स्टैट ऑडिट नहीं करोगे, इंटरनल एक्सटर्नल। कॉन्करेंट ऑडिटर हो तो स्टैचुटरी ऑडिटर आप उस बैंक का नहीं कर सकते, ये तो जन्मों से ये बात थी। लेकिन अगर वो बैंक की कोई स्पॉन्सर्ड बैंक है तो आप उसका भी नहीं कर सकते। मतलब क्या है? कॉन्करेंट ऑडिटर ऑफ बैंक एक्स के नॉट बी अपॉइंटेड एज स्टैचुटरी ऑडिटर ऑफ बैंक वाई विच इज स्पॉन्सर्ड बाई बैंक एक्स। नॉर्मली आपने आरआरबी सुना होगा, रीजनल रूरल बैंक्स आर स्पॉन्सर्ड बाय सम अदर बैंक। अगर आप किसी दूसरी बैंक के कॉन्करेंट ऑडिटर हो, यानी स्टेट बैंक का कॉन्करेंट ऑडिटर, स्टेट बैंक की स्पॉन्सर्ड रीजनल रूरल बैंक्स का ऑडिट नहीं कर सकते, स्टेट ऑडिट उल्टा चलेगा, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। एंड सी ए सी ए फॉर्म कैन एक्ट एज इंटरनल ऑडिटर एंड स्टैचुटरी ऑडिटर ऑफ एम्प्लॉय पी एफ फंड अंडर द न्यू कंपनीज एक्ट। ये क्या कहा है? ये बोल रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म इंटरनल ऑडिटर हो सकती है किसका? कंपनी का, अगर वो उसके पीएफ ट्रस्ट की स्टैचुटरी ऑडिटर है। तो पीएफ ट्रस्ट का मैं स्टैट ऑडिट कर रहा हूँ, कंपनी का इंटरनल ऑडिट कर रहा हूँ, वो चल जाएगा। लेकिन अगर यही चीज बैंक्स के केस में हो रही है तो नहीं चलेगी। ये कुछ आप बोल सकते हैं अपडेट्स हैं आपकी इस पर्टिकुलर अटेम्प्ट से रिलेटेड मई 2018 से। यू शुड बेसिकली क्विकली गो थ्रू दीज पर्टिकुलर अपडेट्स ऑल्सो। सो फाइनली यू हैव दिस कोड ऑफ एथिक्स सेकेंड पार्ट ऑफ द रिविजन आपके साथ ऑलरेडी। मैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के पार्ट 1 और पार्ट 2 के साथ सारे एसेज अप टू 700 सीरीज के रिविजन शेयर कर चुका हूँ। इसके अलावा आप देखेंगे तो कंपनी ऑडिट का एक रिविजन का वीडियो है, कारो का देर इज अ लेक्चर। मैंने कंपनी ऑडिट के दो अलग चैप्टर्स एलओडीआर और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें स्टूडेंट्स कई बार मिस कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, कम पढ़ते हैं, उसके भी रिवीजन डाल रखे।
उस सेंस में देखें तो वी आर कंप्लीट विद आर रिविजन ऑन कोड ऑफ एथिक्स एंड कंपनी ऑडिट इन बिट्स एंड पीसेज एट डिफरेंट प्लेसेज एंड डिफरेंट वीडियोज एंड एसेज अप टू 700 सीरीज। इसके अलावा हमारे जो स्पेशल ऑडिट के चैप्टर है उसके लिए दोस्तों मैं आपके लिए ड्रोन चार्ट्स ला चुका हूँ 76 पेजेस में कवरिंग ऑल टॉपिक्स ऑफ स्पेशल ऑडिट इन एक्सीलेंट एंड ब्यूटिफुल पिक्टोरियल डायग्राम्स। आई थिंक दैट इज समथिंग विच यू शुड बी रेफरिंग एंड होपफुली यू विल गेट बेनिफिट्स आउट ऑफ इट, मैक्सिमम बेनिफिट्स आउट ऑफ इट इन योर एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस ऑन यूट्यूब एंड इट्स ऑलवेज लवली रीडिंग योर कमेंट्स। Please do keep sharing your comments. Thank you.